आउटडोर सीन कंप्लीट हो गया लगभग, और उसके बाद इंडोर में चले जाएंगे किचन में, फिर टॉप शॉट क्रेन लगाते। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है फोकट? ये फोकट जी साहब। देखिए फैन क्यों बंद हो गया साहब? हाँ, फैन दो टाइम बंद होता है, एक बिजली जाने के बाद, दूसरा बिजली कटने के बाद। अरे तो सीधे सीधे बोलना बिजली कट गई है, चल फोन लगा। फोन भी कट गया। चल चाय बना ले, अब ये मत बोलना कि दूध चाय शक्कर पत्ती सब खत्म हो गई है। वो सब है, गैस खलास हो गया और अब मेरी ड्यूटी भी खलास हो गई। मैं जा रहा हूँ अपने गाँव। तुझे मुंबई में क्या तकलीफ है साहब? जावेद से आपने मेरा नाम फोकट रख दिया, यह तकलीफ है। आपने मेरी 6 महीने की पगार नहीं दी, यह तकलीफ है। अरे तू भाई है मेरा, पागल ऐसा क्यों सोचता है? मेरे साथ तकलीफ उठा ले फोकट, कोई बात नहीं है। एक बार फिल्म फ्लोर पे चली गई ना तो सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। ये जो कमरा है ना, जिसका मैंने 3 साल से किराया नहीं दिया, आने वाली जनरेशन के लिए मिसाल बन जाएगा। देखो ये वही कमरा है जिसमें लेजेंड फिल्म डायरेक्टर चक्रधारी उर्फ सीडी ने अपनी जिंदगी की सबसे कठिन 3 साल बिताए। पागल, 6 महीने से आप यही गोली दे रहे हो। हाँ? मैं तो बस एक बात जानता हूँ, काम करो, पैसा लो, पैसा नहीं मिले अपने गांव जाओ। मैं अपने गांव जा रहा हूँ, मुझे माफ करो, मैं जा रहा हूँ। अरे सुन तो, अरे सुन बेटा, सुन सुन, ए रुक जा, ए फोकट रुक जा। जिस दिन मुझे राष्ट्रपति के हाथों नेशनल अवार्ड मिलेगा ना, उस दिन बहुत पछताएगा तू। दोस्तों से बोलते रहना, अरे ये तो वही साहब है जिनका सबसे पहले मैं नौकर था। ए फोकट, फोकट सीडी है क्या? मिसेज मेहता मर गए। हो गधेड़ो, ए उठ उठ, क्या कर रहे है तू? ये पलंग सोने के लिए है, छिपने के लिए नहीं। 3 साल से एक ही जगह पे छिप रहा है, जगह तो बदल। इधर जगह कहाँ है, टॉयलेट भी बाहर जाना पड़ता है और फिर मकान मालिक को देख के तो छिपना ही पड़ता है ना मिसेज मेहता। हाँ तो इसमें मिस्टेक तेरी है, मेरी नहीं। कितनी बार मैंने तेरे को बोला है ना, ये फिल्म विलम का चक्कर छोड़ और नया धंधा शुरू कर। तेरे को मैंने बोला था ना, स्टेशन के सामने बैठ कर चड्डी बनियान बेचने का धंधा शुरू कर, नहीं किया तूने, चल छोड़। फिर मैंने तेरे को बोला था कि जुन्ना पुराना कपड़ा ले और सामने नया बर्तन दे, तूने वो भी धंधा नहीं किया, चल छोड़। फिर मैंने तेरे को बोला था घर घर जाके अथाना पापड़ छुंदा सेव ये सब बेच, इसमें बहुत मार्जिन है, लेडीज लोग बहुत कमाती है, लेकिन तूने वो भी धंधा नहीं किया। अब मैं एक फैसला लेकर आई हूँ। नहीं मिसेज मेहता, प्लीज मैं आपका पूरा किराया दे दूंगा, प्लीज। अरे मेरा फैसला तो सुन। नहीं नहीं, मुझे मालूम है मकान मालिक का क्या फैसला हो सकता है, प्लीज। अरे बाबा बात तो सुन। नहीं आप कुछ मत कहिए, मैं बहुत तकलीफ में हूँ कसम से। मैं 3 दिन से टॉयलेट नहीं गया, मैं डॉक्टर के पास गया, जुलाव की गोली लेकर आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बुलाया, मुझे पैसे दिए, बोले भैया पहले तुम कुछ खाओ उसके बाद टॉयलेट जाना। मैं बहुत तकलीफ में हूँ कसम से। अरे बाबा कैसे? अरे मिसेज मेहता मेरा नाम सीडी है। अब जो भी तेरा नाम है, सीडी वीडी जो भी नाम है, तू मेरी बात सुनेगा? तो ये फिल्म विलम का चक्कर छोड़ना। देख मेरे बंगलो को ग्राहक मिल गया, 4 करोड़ में जा रहे हैं, इधर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। अच्छा? तेरे को मैं 10 लाख दे देगी, तू पैसा ले और मकान खाली कर मेरा। 10 लाख में तो एक रील भी नहीं बनती मिसेज मेहता। वापस फिल्म की बात करी, तू ये फिल्म विलम का छोड़ने, दूसरा धंधा शुरू करने ये पैसा लेके। एक काम कर, तू ये संडास का धंधा चालू कर। संडास का बिजनेस? हाँ, कमोड पाइप नोल ये सब फिट करने का, बहुत मार्जिन है कमोड में, ये संडास का धंधा बेस्ट है। इसे टॉयलेट का बिजनेस भी बोल सकते हैं ना मिसेज मेहता। हाँ तो इंग्लिश में ये संडास अलग होते हैं, तू धंधे की बात करने। देख देख, मुंबई बंद होता है, इंडिया बंद होता है, महाराष्ट्र बंद, रिक्शा बंद, बस बंद, लेकिन टॉयलेट कभी बंद होता है? रोज के रोज की जरूरत है कि नहीं? हाँ, ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मैं बोल देगी, तेरे को एक 10x10 की दुकान दे देगा वो NRI। NRI? क्या सोच रहा है? नहीं मैं ये सोच रहा हूँ, जिसने आपसे बंगलो खरीदा है वो लोचे लफड़े वाली पार्टी तो नहीं है? एक गधेड़ा, मैं कभी लोचे लफड़े वाली पार्टी से डील करती हूँ? अरे 500 करोड़ की पार्टी है, क्यों को मैं रहती है? कहाँ रहती है?
जापान में है ना क्योंकि अच्छा टोक्यो टोक्यो में रहती है वही वही अभी टोक्यो टोक्यो अच्छा ओके लेकिन किसी फाइव स्टार होटल में ठहरा होगा तो यकीन किया जा सकता है ना फाइव स्टार क्या राज पैलेस में है वो राज पैलेस अब राज पैलेस में तो कोई भी मिडिल क्लास आदमी ठहरता है अब ये देखना पड़ेगा वो सिंगल रूम में ठहरा हुआ है स्वीट रूम में ठहरा हुआ है कैसे रहेगा वो सिंगल रूम में भाई स्वीट में ही रहता है वो स्वीट अब स्वीट भी तो कई तरीके का होता है सस्ता स्वीट होता है महंगा स्वीट होता है सबसे महंगा स्वीट है वो महाराजा स्वीट मैं गधा हूँ मैं बेवकूफ हूँ उल्लू का पठा हूँ जो इंडिया में आकर मुंबई के इतने बड़े फाइव स्टार होटल के महाराजा स्वीट में ठहरता हूँ जिसकी सर्विस थर्ड क्लास है जहाँ टीवी भी नहीं चलता और केबल भी नहीं आता सर मैं कोशिश करता हूँ सर कोशिश 50 साल से भी ज्यादा हो गए हैं हिंदुस्तान को आजाद हुए और आपकी कोशिश अभी भी जारी है सर एक्चुअली इस एरिया का केबल सर्विस गया हुआ है सर मैं कुछ नहीं जानता हूँ केबल शुरू हो जाना चाहिए आधे घंटे के बाद बरखा रानी जी की फिल्म आने वाली है टीवी पर और पूरा जापान जानता है कि मैं बरखा जी का कितना बड़ा फैन हूँ अगर ये फिल्म मिस हो गई ना तो लाइफ में तुम्हें बहुत सारी चीजें मिस करनी पड़ेगी मैं कुछ करता हूँ सर कीजिए खड़े रहकर करता हूँ मत कीजिए कीजिए करता हूँ यस कम इन क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर अंदर आने के बाद पूछते नहीं कि मैं अंदर आ सकता हूँ आ गए हो तो आ जाओ सर नमस्ते नमस्ते सर मैं सीडी 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 नहीं चाहिए भैया मुझे केबल टीवी चाहिए नहीं 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 सर सीडी मेरा नाम है मतलब चक्रधारी चक्रधारी सीडी जी बाप का नाम सर डीवीडी देवेंद्रधारी डीवीडी उनके बाप का नाम सर एलडी लक्ष्मणधारी सीडी डीवीडी एलडी पूरी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान हो गई यार आप बैठो 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 थैंक यू सर सर मैं इसीलिए फिल्म लाइन में आया सर मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊं जो मुगले आजम और मदर इंडिया के लेवल की हो शाबाश बनाओ बनाओ थैंक यू सर लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए सर पैसे तो चाहिए ना भैया फिल्म देखने के लिए पैसे चाहिए तो बनाने के लिए तो कितने सारे पैसे चाहिए मेरे पास पैसा नहीं है सर तो फिल्म मत बनाओ भैया हाँ सर मैं चाहता हूँ कि उस फिल्म में पैसा आप लगाएं मैं जी पैदा होते ही मेरे बाप ने मेरे हाथ पे लिख दिया था मेरा बेटा कंजूस है वो लाइन मैंने मिटा दी है लेकिन कंजूसी जो है ना वो मेरी नस नस में दौड़ रही है सर मैं बड़े बड़े स्टार ला सकता हूँ सलमान खान शाहरुख खान सर ये स्टार नहीं है मेरे लिए तो एक ही स्टार है वो है बरखा रानी जी आई वो जो खाती है मैं खाता हूँ वो जैसे रहती है वैसे मैं रहता हूँ पूरा जापान जानता है कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ बड़ी खुशी हुई है जानकर कि आप बरखा रानी के दीवाने हैं लेकिन ये जानकर भी आपको बहुत दुख होगा आपको क्या दुख होगा पूरे जापान को बहुत दुख होगा कि बरखा रानी आजकल बड़ी तकलीफ में है सर तकलीफ हाँ बरखा रानी तकलीफ में ये क्या सुन रहा हूँ बरखा रानी तुम्हें कैसे पता चला सर फिल्म लाइन का कीड़ा हूँ मैं कौन सी हीरोइन तकलीफ में है कौन सा हीरो प्रोड्यूसर को तकलीफ दे रहा है सब जानता हूँ मैं लेकिन बरखा जी को क्या तकलीफ है सर 10 साल पुरानी हीरोइन हो गई ना सर तो क्या हुआ अरे सर आपको तो पता है ना कि आजकल की नई हीरोइन कम कपड़े पहनकर इस सप्ताह इंट्रोड्यूस होती है और अगले सप्ताह गायब हो जाती है सुना है मालवाल की बहुत प्रॉब्लम है सर प्रॉब्लम मिलाओ सीडी मुझे बरखा जी से मिलाओ यार मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ दुख बांटना चाहता हूँ मदद का बजट सर अरे मदद का कोई बजट होता है यार क्या बात करते हो सर बड़ी खुद्दार औरत है मना कर देगी तो फिर क्या करें सीडी सर बरखा रानी की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है बरखा रानी के लिए फिल्म बनाते हैं हाँ तो बनाओ सर आप फाइनेंसर मैं डायरेक्टर बरखा रानी प्रोड्यूसर हाँ सर कट ए बीड़ू बोला ना फिल्म लाइन में काम करने का मूड नहीं है अपन का अरे बहुत काम किया रे बहुत और आजकल कोई फिल्म बनती है फ्राइडे को टिकट नहीं और सैटरडे को फिल्म नहीं ये बात आप सही कह रही हैं फिल्में तो आपकी चला करती थी पूरा हाउसफुल एक कहानी है मेरे पास अगर आप सुनेंगी तो ए बोला ना तेरे को प्रोड्यूसर नहीं बनने का ए पागल है क्या समझता नहीं है तेरे को बरखा जी इस वक्त मेरे पास जो फाइनेंसर है ना दीवाना है आपका बहुत माल है उसके पास जापान से आया है शाने किसको बताता है रे हाँ ऐसे बहुत आए बहुत गए चाय पीना बिस्कुट चेपाना
चल चल फुट ए फुट 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 चल 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 जाता हूँ जाता हूँ चला जाता हूँ। अरे मैं तो उस बरखा रानी से मिलने आया था जिसने फिल्म कुर्बानी मैं दूंगी में किसी की मदद करने के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। ये इसी आधा पे तो गोल्डन जुबली हुई थी ना फिल्म, 20 बार देखी थी ना मैंने। कहाँ गई वो बरखा रानी, किधर गई वो कहानी, किधर गई वो कुर्बानी। बरखा जी मैं यहाँ बिस्किट खाने नहीं आया था, आप प्रोड्यूसर बन जाइए प्लीज। मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बन के सारा काम संभाल लूंगा। आए आपकी माँ की कसम मैं आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिलाऊंगा। अरे आप किसी के करियर के लिए इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते। मत दीजिए अपने पास रखिए। अरे मैं फिल्म नहीं बना पाऊंगा कोई बात नहीं है, मैं स्ट्रगल करते करते मर जाऊंगा कोई बात नहीं है, है? पड़ी होगी मेरी लाश फिल्म सिटी फिल्म वाले फिल्मिस्तान के सामने। आप खुश रहिए ओके। ए शाने इतनी हाइट का मैन लेकिन शान पट्टी बहुत ज्यादा है। तू जितना जमीन के बाहर है उतना ही साला अंदर है, दूसरे को कैसे अंदर करना है सब जानता है तू। बड़ी चालू चीज है तू। बैठ बैठ चला बोल, कब मिलना है तेरे जापान वाले को? आज ही। लेकिन ये आपकी जो आड़ी टेढ़ी लैंग्वेज है ना, बोले तो वो आप जो फिल्मों मीठे मीठे शब्द बोलती है ना, वो शब्द यूज करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वो तो फिल्म का राइटर लिख के देता है। अरे मैं लिख कर दूंगा ना। ठीक है फिर एक्शन और कट भी बोलना पड़ेगा। अरे यही तो करने आया हूँ। यकीन नहीं होता यार, यकीन नहीं होता कि बरखा जी मेरे सामने बैठी हुई है। तमाचा मारते। मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? अरे नहीं नहीं सर, आप बिल्कुल ख्वाब नहीं देख रहे हैं, ये हकीकत है। बरखा रानी आपके सामने बैठी हुई है। बरखा जी आपको यकीन नहीं होगा मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपके बहुत बड़े फैन हैं। तमन्नाओं का मौसम मैंने 125 बार देखी है। बहुत बंडल पिक्चर थी, साली 2 दिन नहीं चली। बंडल को कौन देख रहा था जी? मेरा मतलब है फिल्म को कौन देख रहा था, मैं तो आप ही को देख रहा था। और वो क्या नाम है उसका, शेखर कुमार चिरकुट, जब आपका रेप कर रहा था मुझे इतना गुस्सा आया, जापान में बैठे बैठे मैंने उसकी सुपारी दी। ये तो पूरा ही घुस जाता है। नहीं फौरन निकल भी आता है। कहाँ जाता है? नहीं नहीं सर ये फाइल है, इसमें बजट भी है और स्क्रिप्ट भी है। बताइए श्री गणेश कब करें? अरे पहले यकीन तो करने दो कि बरखा जी मेरे सामने बैठी हैं। चल रे बाप, अब और कितना यकीन करेगा, तेरी गोद में आकर बैठ जाऊं क्या? सर जी बरखा रानी आपके सामने साक्षात बैठी हुई है और प्रोड्यूसर बनने के लिए तैयार है। आप तो सिर्फ ये बताइए कि श्री गणेश कब करें। सॉरी मैं जरा बह गया था। मैं पूरा जापान जानता है, जब मैं खुश हो जाता हूँ तो ऑटो कंट्रोल हो जाता हूँ। आप चुपचाप क्यों बैठ गई हैं? कुछ बोलिए ना बरखा जी, प्लीज कुछ कहिए। एक्शन। टीकू सेठ, इस फिल्म इंडस्ट्री से मेरा यकीन उठ गया था, फिर सीडी ने मुझे आपके बारे में बताया। जिस तरह से आप अच्छे इंसान हैं, उसी तरह से सीडी है, ये आपका नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा। और एक कट तो बोल साले। कट। अरे कट क्यों किया यार, कितना अच्छा चल रहा था। सर सीन यहाँ तक था। ओ यहाँ तक ही था जी। तो शुरू करो फिल्म की शूटिंग, फटाफट शुरू करो। सर फिल्म की शूटिंग करने में टाइम लगेगा, तो अभी रिमिक्स एल्बम बना लेते हैं। सर एल्बम बनाओ या बॉम्ब बनाओ, जो कुछ भी बनाना है बनाओ, लेकिन फटाफट बनाओ। लेकिन जो कुछ भी बनेगा सब जापान में बनेगा। बरखा जी आपको हमारे साथ जापान चलना पड़ेगा। जापान चल, पाकिस्तान चल, साले किधर भी चल, लेकिन मजा आप उनको इंडिया में ही आता है। इंडिया जैसा ही मजा आपको जापान में आएगा। बोले तो अच्छा बोले तो बोले तो क्या है कि वो मेरा बहुत बड़ा गेस्ट हाउस है, इंडिया हाउस। वहाँ है ना, खाने से लेकर सोने तक आपको इंडिया ही इंडिया नजर आएगा। क्या बात। खाने से एक बात याद आई जी। सीडी जी उठाया। अरे सर उठिए। एक बहुत ही टेरिफिक डिश है जो मुझे बहुत पसंद है और मुझे यकीन है पूरा कि आपको भी पसंद आएगी। अभी गया और अभी आया। अरे मुबारक हो, ये पार्टी तो पट गई। युक्ता मुखी को हीरोइन ले लेते हैं और बॉबी खान को हीरो, और पुराने गानों को लेकर शूटिंग शुरू कर देते हैं। क्या हुआ जी जी जी, क्यों क्या मचलने लगा ये? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं हवा देता हूं। कटहल क्या हुआ? अब उनको जमता नहीं है। क्या हुआ इसे?
अरे आपको बताना चाहिए था ना कि आप क्या लेने जा रहे हो। आप कटहल, कटहल उनको पसंद नहीं है। कटहल उसे पसंद नहीं है? हाँ। मुझे भी पसंद नहीं है। आज के बाद मैं कटहल नहीं खाऊंगा। ठीक है, लेकिन वो तो रूट कर चली गई ना। अरे सर, सीन को ऐसा घुमा दूंगा कल फिर आएगी। डायरेक्टर लाए लाए लाए। नमस्ते बेटा जाहिद, बंद कर म्यूजिक। okay, बंद कर। आंटी। मम्मी म्यूजिक क्यों ऑफ कर दिया? तेरे को डांस करने के लिए मैंने पैदा नहीं किया था। अरे मिस्टर मेहता, ये देखो, अपने बेटे को देखो और कुछ समझाओ। अरे ये डांस और फिल्म विलम का चक्कर छोड़, वरना अपना ये केकड़े और झींगे एक्सपोर्ट करने का खानदानी बिजनेस है वो कौन संभालेगा? मम्मी अगर मैंने बिजनेस संभाला तो फिल्म इंडस्ट्री को कौन संभालेगा? और वैसे भी यू नो दैट फिल्म इंडस्ट्री को मेरी कितनी जरूरत है। तो मुझे भी तेरी जरूरत है ना। तेरे को घर के डॉक्यूमेंट का सेट दिया था, तेरे को जेरॉक्स करने को नहीं किया ना? मम्मी वो सेट रेडी है और है? वकील साहब ने जो दिए हुए थे पेपर वो भी इसी के अंदर है। अरे वाह, कितना समझदार है मेरा बेटा। बेटा किसका हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ छोड़ ये फिल्म विलम का चक्कर छोड़, वरना सीढ़ी की तरह तेरी जिंदगी पे बर्बाद हो जाएगी। मम्मी यू नो व्हाट, आई वांट टू डू समथिंग। हैं ठीक है, तेरे को एक साल देती हूँ। एक साल में ये फिल्म विलम का चक्कर नहीं चलाने हाँ। तो फिर समथिंग नहीं है, मेरे कहने पे एवरीथिंग करना पड़ेगा। मंजूर है? ओके मम्मी। बस तो अभी मैं जा रही हूँ राज पैलेस टिकू शेड को मिलने। कोई है तो बता देना। ओके आप जाओ, मैं बता दूंगा। जा, जा, म्यूजिक चालू कर। कर ले, कर ले बेटा, कर ले। एक साल है, कर ले कर ले। थैंक यू मम्मी। 70 lakhs ओनली। थैंक यू सर। सीढ़ी, कटहल के बारे में उसे बुरा तो नहीं लगा? नहीं सर, बिल्कुल बुरा नहीं लगा सर। वो आपको क्या पता था कि बरखा रानी को कटहल से नफरत है? हाँ? वो तो अनजानी हो गया ना सर। यस जी सर। और क्या क्या बताया उसने मेरे सर, बारे में? तारीफ कर रही थी, कह रही थी आप बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए पूरा जापान आपको जानता है सर। यस सर, कह रही थी कोई दूसरा आदमी आपके सिवा कटहल लाता तो उसका मुंह तोड़ देती सर। हाँ तोड़ना ही चाहिए, क्यों नहीं तोड़ती भैया, क्यों नहीं तोड़ती। और क्या कहा उसने? नहीं सर, ज्यादा बातें नहीं सर। याद करो, याद करो यार, तुम कुछ भूल रहे हो। सीडी याद करो, बताओ। याद आया, याद आया सर। कह रही थी आप बहुत हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं आप, यस आप दिल के बहुत अच्छे हैं, दिलदार हैं आप। अच्छा यही है। ओह, कह रही थी कि जल्दी बताओ यार। कह रही थी पलक झपकते फौरन आप चेक साइन करके दे देंगे। थैंक यू सर। डायरेक्टर जाओ बनाओ एल्बम बनाओ। तुम जाओ इस तरफ और मैं चला इस तरफ। इस तरफ किस तरफ सर? अरे बरखा रानी के ख्यालों में। सुनिए सर, संभालिए सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं गिर मत जाइएगा सर। क्या हुआ सीढ़ी? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर। ये अरे पागल हो जाऊंगा। अब मुंबई में सारे सपने पूरे होंगे। ए सीढ़ी, रुक 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 रुक, तू इधर क्या कर रहा है? मेरी एनआरआई पार्टी के पास, तेरे हाथ में चेक है? हाय हाय,
कहीं तूने मेरा बंगला तो बेच नहीं दिया ना? नहीं, 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 मिसेस बेटा, मैं मुंबई में माल कमाने नहीं, फिल्म बनाने आया हूँ। टीकू सेठ मेरे फाइनेंसर हो गए हैं, मैं फिल्म और एल्बम बना रहा हूँ, ये उसी का एडवांस है। अच्छा, अब समझ में आया। तूने मेरे पास से एनआरए पार्टी का एड्रेस भी पता कर लिया है। तेरे पास भेजा है, इसलिए बोल रहे हो तू ये संडास के बिजनेस में लोग जा, तू बहुत पैसा कमाएगा। मिसेज मेहता, कामयाबी अब चल कर आई है मेरे पास, आप मुझे संडास के बिजनेस मत घुसड़िए प्लीज। तो दूसरा बिजनेस दिखा। देख, अब बारिश आने वाला है और लोगों के छत में से पानी गिर रहा है। तू है ना, छत पे ये डामर लगाने का कॉन्ट्रैक्ट ले ले, तू बहुत पैसा कमाएगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। साथ में गटर साफ करने का कॉन्ट्रैक्ट भी ले लेता हूँ, बारिश में पानी भरता है ना, तो तू ज्यादा पैसा कमाएगा। कर ले बेटा, कर ले। मेरी माँ मुझे फिल्म बना लेने दे, उसके बाद तू जो धंधा बोलेगी वो मैं कर लूंगा, बस खुश। ओहो, फिल्म बनाना है तो फिर तू उकल जाएगा। देख ना फिल्म इंडस्ट्री की हालत, रोज कोई ना बस जा रहा है ऊपर। कोई बात नहीं, तेरे पिक्चर में काम मिलेगा। अरे आपको हीरोइन कौन लेगा? मेरे को नहीं बाबा, मेरे बेटे को, रॉकी। अच्छा, अपना रॉकी? अपना रॉकी नहीं है, सिर्फ मेरा है। बहुत शौक है उसको फिल्म में काम करने का, डांस भी करता है, फाइट भी मारता है। तू उसे अपने साथ रोक ले, तेरे जैसा दो चार महीना भूखा रहेगा ना, उसके दिमाग में से फिल्म का भूत उतर जाएगा। ओके ओके, रॉकी को बोलो मुझसे मिलने आकर। ओके बाय। एक्शन कट। एक्शन। चेक हाथ में आ गया, उसका पारा तो देखो आसमान पे। पहले मेरे घर में पड़ा रहता था, अभी बोलते आके मिल। अरे वीरू दादा, वेरी गुड, जाओ। एक और लेते। नहीं यार बाबू भाई, हीरो को भी जाना है, हीरोइन को भी जाना है, विलन को भी जाना है। पूरे सेटअप की तैयारी करो नेक्स्ट शॉट के लिए, चल दे, टाइम कम है मेरे पास। सबको जाना है भैया, हीरो को अवार्ड फंक्शन में जाना है, हीरोइन को साबुन का ऐड करने जाना है, विलेन को चुनाव प्रचार करने के लिए जाना है, लेकिन हमको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ना तो हमारा घर है, ना द्वार है, ना बीवी, ना बच्चे हैं। लाइट्स ऑफ। ए पान पर आ गया, अच्छा महिले उधर उधर गया, डायरेक्टर उधर जा। सर डायरेक्टर मैं हूँ। लेकिन मैं हीरो नहीं हूँ भैया। ए सर मैं, ए तंबाकू सर, मल्टी मल्टी ठीक कर। सर मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, खोल जा रहा हूँ, साइन करना चाहता हूँ। देखो भैया, मेरे को जो है ना फिल्म लाइन पे कोई भरोसा नहीं रह गया है, कोई पैसा नहीं देता भैया, कोई पैसा नहीं देता, समझे ना। जब तक आप शूटिंग कर रहे हैं आपकी बहुत तारीफ करेंगे, बाबू भाई कमाल कर दिया आपने, क्या फोटोग्राफी की है, लेकिन जैसी फिल्म रिलीज हुई तो भूल जाते हैं कौन बाबू भाई, क्योंकि पैसा देना ना, पैसा सर, देना आपको शूटिंग से पहले सारा पैसा मिल जाएगा सर, शूटिंग से पहले सारा पैसा। सर मैं फिल्म और एल्बम दोनों के लिए साइन करना चाहता हूँ सर आपको। एल्बम? जी सर। कौन कौन बड़ा तेरे को, मुंडी काट रहे? आप उसे एल्बम करवाएंगे? आप उससे एल्बम करवाएंगे सर? भैया देखो, ये पुराने जमाने के गीतकारों, संगीतकारों और कलाकारों की अर्फियां और जनाजे शूट नहीं करता बाबू भाई। सर नहीं सर, ए मुंडी काट रहे। सर साफ साफ सुथरे गानों की एल्बम है सर। सर इस फिल्म की हीरोइन है युक्ता मुखी और प्रोड्यूसर है बरखा रानी सर। क्या? जी सर, वो बरखा रानी आपके जमाने की मशहूर हीरोइन थी ना सर, वो। अच्छा, बरखा रानी? जी सर। उन्होंने साइन किया? हाँ, सब कुछ हो गया सर, बस आपकी परमिशन बाकी है सर। अच्छा अच्छा, कहाँ शूटिंग, यहीं कर रहे हो या बाहर? नहीं सर, जापान में। ये बहुत अच्छा लगा तुम्हारा भैया। एक बात तुम्हारी बहुत अच्छी लगी कि तुमने लोकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। नहीं नहीं सर, सवाल ही लेकिन भैया यहाँ पर तो लोग जापान बताते हैं और शूट करते हैं आठ गांव, साठ गांव, रजे गांव, तले गांव। नहीं सर, बहुत अच्छी बात लगी। करो करो करो, मैं तुम्हारे साथ करो। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं कल आपका पैसा भेजे का। अरे पैसे की क्या बात कर रहे हैं यार, रिलीज के बाद मिल जाएंगे पैसे। पहली बार कर रहे हैं ना, पहली फिल्म कर रहे हैं ना, चलेगा। अरे सर आपका आशीर्वाद चाहिए सर। सर सर आप अपना पासपोर्ट, अपने असिस्टेंट का पासपोर्ट दे। अरे बेटा कहाँ रहे, रॉकी इधर बैठ। यस सर। ओ हाय सिरी, हाय, कैसे हो? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ सर। जी सर। ये रॉकी है, मेरा असिस्टेंट है। देख भैया इनको क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, वीजा वीजा का क्या है, इनको देख ले और इनको चाय नाश्ता करा के भेज। अरे नहीं नहीं सर, कोई जरूरत नहीं सर, चाय पी के जाना। बरखा रानी, सारी दुनिया है तुम्हारी दीवानी, और इन सारे दीवानों में एक सच्चा दीवाना है तुम्हारा बाबू भाई। गर्दन में लचक हो, कमर में लचक हो, बॉडी में लोच होगा तब डांस होगा। चाका चक चाका चक चाका चक, डू इट प्रॉपरली, नो वरी नो वरी। शुरू शुरू में कुछ कुछ होता है, बाद में बहुत कुछ होता है। ओके ट्राई ट्राई अगेन अगेन, स्टार्ट बेबी। वेरी गुड।
करते रहो। क्या है भाई, अभी तो गए नहीं? नहीं सर, मैंने आपको 10 बार बताया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एल्बम्स। ये फालतू छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा भी एक स्टैंडर्ड है। अरे सर, इसीलिए तो आया हूँ आपके पास सर। अरे यार सर, आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। एल्बम और फिल्म दोनों की जो प्रोड्यूसर हैं वो हमारे। अरे यार, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं जब मुझे नहीं करना है। मास्टर जी, आप एक बार बात सुन लीजिए प्लीज। अरे आप मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? आप एक बार बात सुन लीजिए, उसके बाद 100% मना कर दीजिएगा। एक्चुअली हमारे एल्बम की जो हीरोइन है वो युक्ता मुखी है और प्रोड्यूसर है बरखा रानी। बरखा रानी जी? मास्टर जी आप ये मत बोलिएगा, बरखा रानी नहीं पहचानते प्लीज। नहीं नहीं, मैं पहचानता हूँ, मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैं आपकी फिल्म करूंगा। हाँ तो सर, अभी फिल्म नहीं कर रहा हूँ, अभी एल्बम कर रहा हूँ सर। एल्बम भी करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो नाइस ऑफ यू सर। मैं सवेरे आके आपकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। बरखा रानी, सारी दुनिया है तुम्हारी दीवानी, इतने दीवानों में की सच्चा दीवाना है पवन राजा। एक दिन जरूर कुछ बनेगा। सीरी तुम भी यार। अच्छा इनसे मिलो, ये मिस मैगुमी है, हमारी लोकल कोऑर्डिनेटर। हाय। तुम अच्छा डांस करते तुम हो। हिंदी जानती हो? अरे हिंदी, इंग्लिश, जापानी सब जानती है, तुम्हारी तरह ये भी ऑलराउंडर है। बाय द वे, ये मेरा दोस्त जाहिद, युक्ता जी का मेकअप मैंने। युक्ता जी वो मिस वर्ल्ड। थैंक यू। अच्छा सुनो रॉकी, ये परमिशन के साथ में सब लोकल कोऑर्डिनेट कर लेंगे, ठीक है ना? और मैंने अथॉरिटी लेटर दे दिया है, तो अगर मैं बिजी हुआ तो तुम जाके साइन कर लेना। श्योर श्योर। और सुनो, सुबह 6 बजे युक्ता जी रेडी विद मेकअप।
किसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए तो ही बात तो दुहाई है दुहाई। थैंक यू रॉकी, आपका खाना लेने गया। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम हो प्लीज मुझे बोलिएगा। ओके देखा ना आ गया प्लीज। देखो भाई सब लोग सफाई वफाई अच्छे से रखना, प्रोड्यूसर आने वाली है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अरे आइए आइए बरखा जी, आइए आइए प्लीज प्लीज। देखिए एक से एक इंडियन आइटम है, आपको यहाँ महसूस ही नहीं होगा कि आप जापान में हैं। भेजा फ्राई है क्या? हाँ भेजा, मैंने आदमी को भेजा। नाश्ते में आपको सब आइटम मिलेंगे, भेजा कीमा गुर्दा कपूरा। अभी आप खाना शुरू कीजिए, मैं टिकू से बुलाता हूँ। खाना खाने देना यार, वो मोटा अपुन को बहुत पकाता है, प्लेन में भी अपुन को सोने नहीं दिया। और सुन जी? उसको बोल अपना इलाज कराए। कैसा इलाज? छोटा बहुत है। बरखा जी खुशबू को लेते ही मुझे वो पुराना गाना याद आ गया, मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं? इधर खाने की खुशबू, इधर आपकी जुल्फों की खुशबू। वाह वाह क्या बात है, क्या शायराना अंदाज है सर जी का। ओ प्लेट नहीं है आपके हाथ में? प्लेट नहीं है बरखा जी? ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए। मैं ले लूंगी मैं ले लूंगी। नहीं मैं दे रहा हूँ, आप लीजिए। आइए चलिए, क्या खाएंगे आप? आइए मैं खा लूंगी। अरे ये खाकसार आपका खिदमतगार है, आपका गुलाम है। बोले तो नौकर बरखा जी। बरखा जी बरसों से तमन्ना थी आपके साथ खाना खाने की, वो आज यहाँ जापान में पूरी होगी। क्यों नहीं पकड़ प्लेट। बरखा जी आपको याद है वो तमन्नाओं का मौसम का वो आउटडोर, मैं वहाँ आपके साथ खाना खाना चाहता था लेकिन खा ना सका, असिस्टेंट था ना। सीडी सर मैं कुछ करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। थैंक गॉड बरखा जी, हम कितने दिनों के बाद मिले हैं, अब तो मिलते ही रहेंगे। बरखा जी टीकू सेठ पूछ रहे हैं, अगर आपकी जगह पसंद नहीं हो तो किसी दूसरे होटल में चलें, वो आपके साथ खाना खाना चाहते हैं। चलिए ना प्लीज प्लीज प्लीज। बरखा जी इस तरह आपको खुश देखकर मुझे वो पुराना गाना याद आ गया। कौन सा? खुश रहे तू सदा ये दुआ। सेठ आप खाना खाओ ना यार। यार क्या हुआ सर, क्या हुआ? पुराना एक और गाना याद आ गया, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। आता है पूरा आता है, लिख के दे दे। लिख के आपके पास प्लेट नहीं है? हाँ, प्लेट दीजिए मैडम को, प्लेट दीजिए। प्लेट लीजिए प्लेट लीजिए प्लेट लीजिए, आपका हाथ खा लिए। आइए मैं क्या दे सकता हूँ आपको? बरखा जी आवाज बदल गई। बरखा जी मेरी बरसों तमन्ना थी कि आपके साथ खाना खाऊं। मुझे क्या पता था कि वो तमन्ना जापान में आके पूरी होगी। हाँ क्यों नहीं, ले तू भी प्लेट पकड़ 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 चल। बरखा जी सीढ़ी अब यूनिट के लोग हैं ना सर। यूनिट के और मैं? सर ऐसे मत रोकिए सर, प्लीज प्लीज मेरी बात तो सुनिए सर, प्लीज 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 सर प्लीज सर, मैं एक मिनट मैं देखता हूँ सर प्लीज। आपको याद है फिल्म तमन्नाओं के मौसम का वो आउटडोर, उस वक्त भी मैं आपके साथ खाना खाना चाहता था मगर खा नहीं सका था, असिस्टेंट थे ना। आपको सब याद है? जरा सुनिए बरखा जी इधर आइए। ये क्या कर रही हैं आप? टीकू जी आपको प्लेट देते हैं और आप प्लेट दूसरे के हाथ में दे देती हैं। अरे वो आपके साथ डिनर करना चाहते हैं, करिए ना प्लीज। ये चापापुन को नहीं खाना बार बार घसीट कर उधर काय को लेकर जाता है, वो बहुत बोर करता है। अरे बरखा जी बात को समझिए, सिचुएशन बड़ी नाजुक है और ये पाटना बंद कीजिए। बोले तो प्लेट्स प्लेट ये लीजिए बरखा जी, प्लेट लीजिए। हाय हाय यूनिट के लिए आपका प्यार देखकर मेरा दिल भराया है, कितना प्यार करती है। अरे बरखा जी की यही अदा तो निराली है, इसीलिए तो स्टार है ये। हाँ सीडी क्या हुआ सर? सुपर स्टार है ये, सुपर स्टार। बस इतना ही तो करना है। बोले तो आपको फिर से एक बार फिर से प्लीज मार दीजिए मार दीजिए मार दीजिए। पट गई तभी तो खाली प्लेट दे के सिग्नल दे दिया। पट गई तभी तो खाली प्लेट दे के सिग्नल दे दिया। खुला
मुझे मालूम था। मायापुरी पढ़ रही है? नहीं, किंग स्टार। नींद नहीं आ रही क्या बाबू भाई? आप मुझे बाबू कह सकती हैं? देखो अपन मुंहफट जरूर है लेकिन हटेली नहीं। टेक्नीशियन लोगों को तो अपन सलाम मारती है। थैंक यू। खास तौर पे पुराने। पुराने? नहीं तो क्या, उम्र देखी अपनी। अभी उम्र ही क्या हुई है? जाओ जाकर सो जाओ। गुड नाइट। रात गुलाबी है, मौसम शराबी है, आइए ना चलते हैं। किधर को? बाहर। काय को? नहीं ऐसे ही। बोले तो? नहीं, टहलने के लिए। एड़ा हो गया क्या? बाहर ठंड देखी है? जा जाकर बिस्तर में घुस जा। आधी रात को दिमाग सड़ा ले साला। मैं आपको कैसे समझाऊं बरखा जी कि किस्मत ने हम दोनों को यहाँ जापान में क्यों लाया है? मैंने मायापुरी में पढ़ा था कि अब खुला है। हाँ? सबके लिए खुला है। हाँ? बरखा जी सब हो गया। बाबू भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं वो भी इतनी रात को? मैं और बरखा जी हम दोनों। हाँ? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हम दोनों बीते पुराने दिनों की याद कर रहे थे। तो अपने कमरे में याद कीजिए ना, किसी दूसरे कमरे में घुसकर याद करने का क्या मतलब है? बरखा जी 5 बजे का वेकअप कॉल है, आप चाहे तो शूटिंग पे चल सकती हैं, नहीं तो आप आराम कीजिए। बरखा जी आइए ना शूटिंग पे, बहुत मजा आएगा। देखो सीडी अपुन के मूड पे है कि अपुन की आंख कितने बजे खुलती है। क्या जी जी, जैसी आपकी इच्छा। बाबू भाई हाँ, चलिए मैडम को सोने दीजिए और आप भी चलकर आराम कीजिए, सुबह 5 बजे उठना है ना। नहीं, मैं उठ जाऊंगा, आप जाइए, आप जाइए, मैं आता हूं। प्लीज प्लीज आप चलिए, तो चलिए प्लीज प्लीज चलिए, आता हूं। हां प्लीज आप सो जाइए। सारा प्रोग्राम चौपट कर दिया। खुला खुला है। अरे पवन जी आ इतनी रात को? बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा आपके कमरे में चल के। बोले तो वो पत्ते खेलते। तुम डांस डायरेक्टर लोगों का भी यही लोचा है, बस पत्ते खेलना नहीं छोड़ते। जा मेरे को नींद आ रही है। अरे कैसी बातें कर रही है, किस्मत हमें यहाँ सोने के लिए थोड़ी लाई है। बोले तो ये कंट्री देखिए, यहाँ की सर्दी देखिए, ये गर्मी देखिए, ये माहौल देखिए, आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोग सपने में आ गए? ए तू क्या बोल रहे है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही। मैं बता रहा हूँ, सपने को हकीकत में बदलते हैं और बातों बातों में दूर निकल चलते हैं। जास्ती जागना ठीक बात नहीं है, जा जाके बिस्तर में घुस जा। बरखा जी जब इश्क हो जाता है तो नींद कहाँ आती है? बोले तो नींद उड़ जाती है और दिल में एक लचक पैदा हो जाती है, लचक। कौन है बाबू की स्केली चोकरी जिससे तेरे को अकेला है? वही तो आपको बताने आया हूँ, बस खेलते खेलते मूड बनेगा। नहीं रे आज मूड नहीं है। क्या रे? बोला ना तेरे को, क्या तू मूड बनाइए तो। ये समझता नहीं है तू। खुला। अरे मेरा अंदाजा सही था, आप यहीं होंगे। मास्टर जी चलकर आराम कीजिए, सुबह 5 बजे उठना है, लोकेशन बहुत दूर है और हम यहाँ काम करने आए हैं। सुबह 7 बजे पहला शॉट लेना है ना, चलिए। एक मिनट बरखा जी। दुनिया के सितम इश्क करने वालों के रास्ते में कई रूप में आए हैं, आज सीडी के रूप में आए हैं और आप यहाँ डांस मास्टर के रूप में आए हैं। चलिए चलिए चलिए, आइए आइए, चलिए चलिए। बाप रे बाप, ये सीडी सारे ठरकी लोगों को इधरिच ले आया है। ये ड्रेसेस मैंने 25,000 रुपए में बनवाई हैं। धारावी की झोपड़पट्टी में एक टेलर रहता है, उसने ये सब बनाई हैं। यही ड्रेसेस अगर जिन्हें आप लोग टॉप क्लास का डिजाइनर बोलते हैं उनसे बनवाते तो कम से कम 5 लाख रुपए का चूना लगता है कि नहीं?
सही है बीड़ू, सही है, साले ठगते बहुत हैं। अरे फिल्म हो एल्बम हो कपड़े कौन देखता है, अब आजकल की नई नई लड़कियों देख लो, जिन्हें डायलॉग बोलना नहीं आता 5,000 रुपए की सैंडल पहनती हैं, 7,000 रुपए की स्कर्ट पहनती हैं, और फिल्म रिलीज भी नहीं होती, अपना बर्थडे 5-स्टार होटल में मनाती हैं। सही है। लेकिन मैं अपना बर्थडे बरखा जी के साथ मनाऊंगा। बरखा जी, आपकी पसंद का चॉकलेट केक, मैंने मायापुरी में पढ़ा था कि आपको चॉकलेट केक बहुत पसंद है। बाबू भाई, बर्थडे किसी दूसरे दिन मना लेना, हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करो काम। देखो तुम्हारे कैरियर का सवाल है, हम लोग बहुत काम कर चुके हैं, अब हमें अपनी जिंदगी को एंजॉय करने दो। बरखा जी मुबारकबाद दीजिए ना। मुबारक हो। इतना आहिस्ता मुबारक। तो क्या लाउड स्पीकर में भोंकू? साला तुम ना दिमाग का फालूदा कर डालता है। मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू बरखा जी। आपको कैसे मालूम आज मेरा जन्मदिन है? वाओ केक, पर ये केक किसका है? इनका। इत्तेफाक से आज इनका भी जन्मदिन है। आप दोनों का नर्सिंग होम एक ही था क्या? इनके टाइम में कहा नर्सिंग होम, झोपड़ी में चार पाई उस पे रोती इसकी माई और आ गए बाबू भाई। बरखा जी क्या बात है, मिल गया बरखा जी, मिल गया मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट, मिल गया। बरखा जी ऐसे कुछ मुझे भी दीजिए ना। अबुन कोई राइटर वाइटर तो है नहीं जो मुंह में आया सरक गया। तो ऐसे इधर सरकाई ना थोड़ा। तो कह के इधर सरका मेरे मुंह में डाल और फुट। एक मिनट मास्टर जी, ज्यादा एक्साइट मत हो, पीछे रहना। बरखा जी मेरे ख्याल से कमरे में चल के सेलिब्रेट करते हैं। कमरे में चलते हैं। मास्टर जी सबसे पहले मैं आया इस हॉल में भी और इस दुनिया में भी। आइए बरखा जी। बाबू बरखा जी मेरे ज्यादा करीब हैं। आइए बरखा जी। मास्टर मैं सीनियर भी हूँ और काम भी जानता हूँ, समझे? आइए बरखा जी। बाबू आज की डेट में मैं ज्यादा हिट हूँ। आई बरखा जी। एक काय को पका रेला है बाप, मेरे पास घोड़ा होता ना तो तीन तेरे अंदर डालती, तीन तेरे अंदर। साला दिमाग का दही कर डाला। अच्छा अच्छा, आज के दिन इतना उदास नहीं होने का। चलो चलो कमरे में चल के मैटर खल्लास करते हैं। ठीक है, मेरे साथ आइए, मेरे पास आइए। अगर ये टीकू ने देख लिया तो मेरा मैटर खलास। ए, रो काय को रेला है? इनके जन्म का अफसोस मना रेला है? नहीं नहीं, अपने पैदा होने का अफसोस कर रहा हूँ। बोले तो? अरे जब मैं 1 साल का था तो मेरी माँ मर गई, जब मैं 2 साल का हुआ तो मेरे पिताजी निकल लिए, जब मैं 3 साल का हुआ तो मेरा भाई निकल लिया। ड्रामे पे ड्रामा, ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी। अरे यार तो हमारी लाइफ को ट्रेजेडी को बना रहा भाई। अरे दरअसल आज मेरा भी जन्मदिन है, लेकिन मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाता, मैं रोता हूँ। अरे मैं किसके साथ खुशियाँ बांटूं, किसे केक खिलाऊं, कौन है जो ताली बजाएगा और कौन है जो नहीं, मेरा कोई नहीं है। सॉरी, मैंने आप लोगों के बर्थडे की खुशी में रोना धोना शुरू कर दिया, सॉरी। हो गया तेरा? गया? जाएं हम लोग? आइए बर्थडे। ए चुप! ए सीडी, बस क्या रे बीड़ू, अगर तेरा दुनिया में कोई नहीं है तो अपुन का कौन है रे? तू और अपुन एक माफिक, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं बोलने का कि तेरा दुनिया में कोई नहीं है। अरे अपुन है ना, अपुन मनाएगी तेरा जन्मदिन। देख देखा तो दो दो केक भी है। ओ सॉरी पवन जी, सॉरी बाबू भाई, लाओ ये केक मुझे दे दो। ए बोला ना दे, दे साला, दे इधर। और जो मायापुरी में पड़ा था ना वो गलत है, अब उनको तो केक पसंद ही नहीं है। ए सीडी आजा आजा आजा। थैंक यू सो मच, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो। हेलो रॉकी हियर, मेगुमी स्पीकिंग। हे हाय ब्यूटीफुल, सीडी सर कहाँ है? वो युक्ता जी को एयरपोर्ट छोड़ने गए हैं। परमिशन के लिए जाना है। या श्योर,
Just tell me where I have to come. You meet me at Coffee House. Coffee House, yeah, I know. अनंत नानी होशी नानी याद करो ठीक हो ना तुम? या थैंक यू वेरी मच. नो प्रॉब्लम. कम. कौन थे ये लोग? नहीं जानती. सम स्ट्रीट रोमियोस. ओहायो. वक्त कुदासाय. चलो आओ. या चलो. हे तुम डांस के साथ फाइट भी बहुत अच्छा करते हो. ट्रेनिंग ली है मैडम. फिल्म लाइन में सक्सेसफुल होना है मुझे. वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है. क्या पियोगी? कॉफी. टू कॉफी प्लीज. हाय मैं गॉड से विश करूंगी कि तुम जो भी चाहते हो वो तुम्हें मिल जाए. फिल्म लाइन में सक्सेस के साथ वो भी जो मेरे सामने बैठी है. और ये शॉट ट्रॉली से ले लूंगा. हेलो. हाँ चक्रधारी बोल रहा हूँ. हाँ सिडी मैं बॉबी का बड़ा भाई बंटी बोल रहा हूँ. अरे बंटी साहब क्या हाल है? हाँ ठीक है. कहाँ पहुंचे सर? हांगकांग में या बैंकॉक में? हम इंडिया में ही है यार. जी इंडिया में? अरे सर आज रात तक तो आपको जापान पहुंचना था ना सर. टिकट भेज दिया था सर. सिडी जी शूटिंग खत्म होने 2-3 दिन लगेंगे. हो सके तो आप मैनेज कर लो यार. नहीं नहीं बंटी जी देखिए मैनेज कैसे करें. बड़ी मुश्किल से टोक्यो सिटी की परमिशन मिली है वो भी एक दिन की. 6 लाख रुपए डिपॉजिट किया है सर. अरे यार. हेलो सिडी. जी सर. हाँ बॉबी खान बोल रहा हूँ मैं. सर नमस्कार सर. सर बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर फाइनेंसर भड़क गया सर तो मेरा करियर तो कोल्ड स्टोरेज में चला जाएगा सर. प्लीज सुनो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है. तुम्हारा फाइनेंसर मेरे डैडी का दोस्त है. मैं उससे बात कर लूंगा और हम यहाँ से 2 दिन में निकलेंगे. ठीक है बाय. नहीं सर. हेलो 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 ये क्या दादागिरी है? फाइनेंसर मेरे डैडी का दोस्त है. मैं 2 दिन बाद निकलूंगा. अरे नुकसान तो मेरे प्रॉफिट का होगा ना. आजकल के लड़के ये अंडे से निकले नहीं कुकड़ों को करना शुरू कर देते हैं. सिडी ये रही टोक्यो की परमिशन और डिपॉजिट. कहाँ डालूं? क्या हीरो 2 दिन बाद आएगा. युक्तामुखी बैंकॉक में है. परमिशन मेरे हाथ में है. अगर शूटिंग नहीं की तो 6 लाख रुपए का चूना लगेगा. अरे साला मेरी अगर हाइट वाइट होती तो मैं ये गाना खुद अपने ऊपर पिक्चराइज कर लेता. तेरी हाइट कितनी है? 6 फीट. जॉय जॉय मुखर्जी की भी इतनी हाइट थी. मैं ये गाना तेरे ऊपर पिक्चराइज करता हूँ. तू चिंता मत कर. म्यूजिक की प्रैक्टिस कर. मैं पवन मास्टर को लेके आता हूँ. ये शूटिंग तो होके रहेगी. घर की खेती समझ के रखी हुई है. मैं गॉड से विश करूंगी कि तुम जो भी चाहते हो वो तुम्हें मिल जाए. I'm so happy. गॉड ने तुम्हारी बात सुन ली. I love you too. गई दिल गुड़िया
गुड़िया जापान की ले गई दिल, गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया, ले गई दिल, गुड़िया जापान की ले गई दिल, गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया। जिसका अंदाज माशुकाना देता है प्यार का पैमाना, करता है सबको दीवाना, ये तो शहर मस्ताना, जिसका अंदाज माशुकाना देता है प्यार का पैमाना, करता है सबको दीवाना। ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। गोरी गोरी राहें हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाएं, जापानी परियां मुस्कुराए। देखो वो गोरी गोरी राहें हमको इशारों से बुलाए, कितनी रंगीन है फिजाएं, जापानी परियां मुस्कुराए। ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। यार मैंने बहुत डांस डायरेक्टर देखे, अच्छा एक से एक, हाँ। लेकिन आप हैं, क्या मूवमेंट देते हैं। बाबू भाई, मैंने बहुत कैमरामैन लोगों के साथ काम किया है, बहुत फोटोग्राफी देखी है, पर आप हैं। क्या बात है। लेकिन पवन जी, बाबू भाई, यार आप में एक कला है, इसलिए तो लड़कियां आपकी दीवानी हैं। बाबू भाई, दीवानी तो लड़कियां आपकी भी है, सेट पे सब देखता रहता हूं। नहीं, नहीं, नहीं। लोग समझते आप कैमरे में देख रहे हो। हाँ जी, मैं सिर्फ एक का दीवाना हूं। एक का? ये क्या, ताली दो। अरे हमारे आपके ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। कैसे? मैं भी सिर्फ एक का दीवाना हूँ। क्या बात कर, भाभी जान से कब मिलवा रहे हो? कल सुबह सेट पे मिल लो। इतनी जल्दी फटाफट?
ओ अच्छा, वो जो चार जूनियर डांसर्स हैं उसमें से काली वाली मोटी बुटकी उसके साथ जी, 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 क्या हुआ क्या हुआ पहुंच क्या हो गया नहीं क्या हुआ क्या नहीं नहीं, नहीं हो क्या गया आपको? नहीं क्या मैं समझा नहीं क्या ऐसे ख्याल आते हैं आपके मैं आपके डिपार्टमेंट में क्यों हाथ डालूंगा इधर हाँ वो जो अपने फिल्म की प्रोड्यूसर है ना बरखा रानी हाँ बरखा रानी हाँ कल सुबह से उनको भाभी कहना शुरू कर दो क्या? जाओ क्या? क्या हुआ क्या हुआ भाव भाई आपने यहाँ पे सुसु कर दिया अरे बरखा रानी को तो भाभी आप कहेंगे एक्चुअली बरखा मैं मैं उसे भाभी क्यों कहूंगा बे ए मैं क्यों कहूंगा बे तमीज से बात करना तमीज से अबे चुप तू चुप रहे बाबू तू मेरी अमानत पर बुरी नजर डालता है बुरी नजर तू डालता है कैमरे के अंदर झांक झांक के लड़कियों पे जूम मारता रहता है जूम और तू क्या करता है तू क्या करता है अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के कमर में हाथ डाल के उन्हें डांस सिखाता है पापी कहेंगे पापी तू है जो मेरी बरखा रानी पे गंदी नजर डालता है खबरदार जो मेरी बरखा रानी कहा तो कमर तोड़ दूंगा फिर डांस के काबिल नहीं रहेगा तू मैं तेरी आँख निकाल कर हाथ में दूंगा फोटोग्राफी भूल जाएगा तेरी शक्ल पे लानत है तेरे साथ काम कौन करना चाहता है आर्टिस्ट का थोबड़ा तो नजर आता नहीं स्क्रीन पे फोटोग्राफर बना फिरता है तू तू चल रे तू क्या है सुनता जा अबे तू तो बूगी बूगी में जाने के लायक नहीं है डांस मास्टर बनता है अबे किसी गाँव के स्कूल में जाके पहले मास्टरी कर मास्टरी साले रिटायर्ड बुढ़े ठरकबाज इनकी ठरक तो निकालनी ही पड़ेगी बरखा जी सब कुछ अच्छे से बरखा जी क्या हुआ आप रो क्यों रही हैं ये पवन ये बाबू इनकी माँ की याद आ गई आज उसकी बरसी है अच्छा अच्छा भगवान उनकी आत्मा को शांति दे माँ की सीढ़ी तुझे नहीं पता मेरी माँ कितनी ग्रेट औरत थी उसने इस बरखा को बरखा रानी बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया क्या बात बहुत पापड़ बेले हाँ हाँ मैंने सुना है अब उनकी पहली फिल्म हिट हुई प्रोड्यूसर लोगों के घर के बाहर लाइन लग गई हाँ लाइन तो आज भी लगी हुई है आप देखने की कोशिश तो कीजिए अब उनका नसीब देखो हाँ। उसी दिन अब उनकी माँ कल्लास बड़े दुख की बात है ब्लड कैंसर था उसको हाँ। अब उनकी पहली फिल्म भी नहीं देख पाई हाँ। जो प्रोड्यूसर अपन को साइन करने आए थे ना हाँ। वही उसे साइन के शमशान घर सो सैड मैं उस महान औरत के लिए प्रार्थना करूंगा मैं चलता हूँ ये माँ कितनी अच्छी थी हेलो हाँ जी मैं सीडी बोल रहा हूँ अब देखिए मुझे इस शहर की ज्यादा नॉलेज नहीं है आप एक काम कीजिए गुलाब के ताजे ताजे फूलों का एक बुके लेकर आइए प्लीज फौरन हाँ 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 अरे आज बरखा रानी की जिंदगी का बड़ा खुशियों वाला दिन है तो हमारा फर्ज बनता है उन्हें मुबारकबाद देने का और फिर उन्हें गुलाब के ताजे ताजे फूल भी पसंद है हाँ आप फौरन लेकर आइए ताजे ताजे हो थैंक यू बहुत बहुत मुबारक हो मैं चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में ऐसा दिन रोज आए इसलिए तो रोज लाया हूँ और रोज लाता रहूंगा वाह 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 आज की खुशियों को याद करके कितनी खुश नजर आ रही हैं आप वाह 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 क्या लग रही हैं आप आज एक बार फिर इस बेपनाह खुशी के मौके पर मैं आपको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ ए तेरा खिसक गया क्या
आज अपन की बुड्ढी मरी थी बुड्ढी, उसी की बरसी है और तुम मुबारकबाद की वाट लगा रहे हैं। सारा हरामी हरकत। क्या यही प्यार है? मेरे सिवा इस यूनिट का हर आदमी काम छोड़कर अपने अपने काम पे लगा हुआ है। क्या हो रहा है? हाँ? नहीं, मेरा मतलब क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। तेरी माँ को पता चला ना, फिल्म लाइन तो तू भूल जा। संडास का बिजनेस करना ही पड़ेगा। मुझे बिठाएगी दुकान पर और तुझे भेजेगी कमोड फिटिंग करने के लिए। तू लाई भर लोगों के संडास में घुस घुस के कमोड फिटिंग करते रहना। माँ से बात मैंने कर ली। कमोड फिटिंग की? अरे क्या? हाय कांग्रेचुलेशंस, तेरी मम्मी का फोन आया था। कौन सी लड़की पसंद की तूने? ये है तेरी होने वाली भाभी। वाओ, ये वाओ। हम यहाँ बारात लेकर नहीं आए हैं, भाभी बनेगी इंडिया जाकर। काम पे ध्यान दो तुम लोग। युक्ता जी सुबह 6 o'clock रेडी विद मेकअप, ओके? सर जी आपने मुझे बुलाया, बड़े परेशान लग रहे हैं सर। डायरेक्टर, दुनिया की सारी भाषाएं मैं जानता हूँ, मगर वो भाषा नहीं जानता हूँ जिसकी वजह से बरखा रानी मुझ पर नहीं बरस रही है। सर जी ऐसी कौन सी भाषा है वो? अरे कान के नीचे बजाओ, क्या घुसेड़ दूंगा, काट डालूंगा, बोले तो फुल टू टाइम पास चिरकोट। अरे खा खुजा बत्ती बुझा,
ये भाषा जो वो बोलती है। ये सारे शब्द इकट्ठे करो, एक सीन बनाओ, मुझे हीरो बना और उसे हीरोइन। गलत। आई सर, आप बरखा रानी को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उसको हासिल नहीं कर पा रहे हैं। सर वो ये सब भाषा छोड़ना चाहती है और आपसे जैपनीज सीखना चाहती। सर क्या बात, मुझसे जी, जी जी मैं अभी सिखाता हूँ। सर आप खुले सांड की तरह तैयार मत रहा करिए। पहली बार है ना सर? पहली बार हो या आखिरी बार, राहु केतु शनि की दशा तो समझनी पड़ती है ना सर। ये बीच में आ जाते हैं सर। एक बार शूटिंग पूरी हो जाने दीजिए, पूरी यूनिट को इंडिया जाने दीजिए, उसके बाद यहीं पे क्लासरूम खोल लेना जैपनी सिखाने के लिए। सोचिए सर, आप प्रोफेसर, बरखा रानी स्टूडेंट, पूरा क्लासरूम खाली, आई 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 आई, एडमिशन भी यही, एग्जाम भी यही और रिजल्ट भी यही। लाया डायरेक्टर, सीन लाया लाया। अब मजा आएगा। नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की तुझे डायरेक्टर बनाकर। सीडी सीडी, ये क्या स्टूपिडिटी है? तुमने बॉबी की जगह उस कैमरामैन रॉकी असिस्टेंट को हीरो बना दिया और उस पर गाना भी पिक्चराइज कर दिया। सर जी, आपके कहने पर मैंने इनको लिया था, अब आप ही इनको समझाइए। हम दो दिन वेट नहीं कर सकते थे, लाखों रुपए का नुकसान हो जाता। और फिर क्लास भी तो खोलना है। क्लास जापनीज? अरे हाँ, कोई बात नहीं बेटे, ये फिल्म निकल गई, दूसरी फिल्म बनेगी। टीकू जी, अरे बेटा ऐश करो, घूमो फिरो, बिल मुझे ला कर दे देना है। जाओ 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 जाओ, मजे करो मजे करो, जाओ घूमो। यही गलत है सर। क्या किया? जाओ घूमो फिर ऐश करो, बिल मुझे लाके देना, बजट भी तो देखना पड़ता है। अरे बजट को छोड़, तू बरखा रानी को देख। डायरेक्टर। बड़े, मेरी जगह जिस रॉकी ने उस एल्बम की शूटिंग की है ना, उसको छोड़ेंगे नहीं? हाँ, डोंट वरी छोटे, उससे तो कम से कम एक महीना हॉस्पिटल में रहना ही पड़ेगा। बहुत आजी करते हो। ये क्या हुआ?
बॉबी बॉबी मेरी जान मलियाबाद का पठान वेलकम टू जापान वेलकम 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 टू जापान आओ यू बांगा साहब वेरी बैड अरे क्या कर रहे हो बांगा साहब तुम दोनों ने कल रॉकी की गाड़ी को टक्कर क्यों मारी उसने बॉबी की जगह शूटिंग क्यों की अबे ढक्कन के रॉकी फिल्म के यूनिट का आदमी है और तुम दोनों फिल्म के यूनिट के साथ साथ ड्रग सिंडिकेट के भी मेंबर हो अगर पुलिस की नजर तुम पर पड़ जाती तो नुकसान किसका होता किसका होता सिंडिकेट का ना आई एम सॉरी बांगा साहब और सिंडिकेट को नुकसान पहुंचाने वाले का एड्रेस क्या है आसमान के ऊपर छेटा माला छन्नू में कोली नंबर 3 तेरे को फिल्मों में हीरो बनने का चांस दिया ना असली लाइफ में हीरो बनने की कोशिश मत करना मत करना मत करना हंसता है कौन चू साला कल हमारी ड्रग्स की डिलीवरी का दिन है और ड्रग्स लेने वाला जो आदमी है वो हिंदी में क्या बोलते हैं बड़ा ही हर्रामी आदमी है हमारा जो आदमी डिलीवरी दे रहा है ना तुम दोनों कल उस पर नजर रखोगे लेकिन माल की डिलीवरी लेके जाएगा कौन एल्बम की हीरोइन का मेकअप मैन जाहिद क्या जाहिद भी सिंडिकेट का आदमी है हमारे सिंडिकेट में कौन कौन है खास खास आदमियों के अलावा और कोई नहीं जानता और कोई नहीं जानता ये क्या है ये युक्ता जी का फेस पाउडर है फेस पाउडर या ड्रग्स तू मेरा बचपन का दोस्त होकर और इतना डर्टी काम आई एम सॉरी रॉकी ये काम मैं खुशी से नहीं कर रहा हूँ फिर मैं हांगकांग के कसिनो में जुआ खेलने गया था जुआ खेलने 6 लाख रुपए हार गया 6 लाख और उन लोगों ने कहा ये पैकेट जापान तक पहुंचा दो हिसाब क्लियर हो जाएगा और तूने उनकी बात मान ली बेवकूफ कहीं का अब मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ अब मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा तूने मेरी कसम खाई है याद रखना चला जा पागल मनी साहिद कहाँ है उसे तो गोली लगी थी हो सकता है वो हॉस्पिटल में हो या फिर कहीं छुप गया हो जापान में ऐसा कौन है जो उसको छुपाएगा उसका एक दोस्त है रॉकी तो फिर रॉकी को उठाओ रॉकी को उठाओ रॉकी को उठाओ Ah!
चंदू, अरे सुन रहे हो ना मेरी आवाज? कल तुम आ रहे हो ना? अरे सुनो सुनो, बरखा रानी के लिए कुछ मंगवाना है। हाँ अच्छा सुनो, जब कल मुंबई चलो ना तो एक कटहल लेते आना, वो भी पका हुआ। अरे फनस और कटहल एक ही होता है ना यार। हाँ हाँ आ जाओ। नहीं, बरखा रानी को कटहल बहुत पसंद है ना, वो देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। अरे सीडी, तेरा कटहल तो बाद में आएगा, उससे पहले मेरा कटहल बरखा रानी तक पहुंच जाएगा। आपका फेवरेट बहुत दूर से लाया, निकालना नहीं खाना है। क्या ये प्यार है? पवन जी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्या कर रहे हैं आप? अब ये नामुमकिन है पवन जी, प्लीज। कुछ नहीं सुनूंगा मैं, मैंने कह दिया मतलब कह दिया, मेरा पैकअप कर दो, मुझे इंडिया वापस भेज दो। पवन जी अभी काम फिनिश नहीं हुआ है, मैं टीकू साहब को क्या जवाब दूंगा? मेरे करियर का सवाल है, प्लीज आप मानिए तो प्लीज। लेकिन मैं तमाचा खाने नहीं आऊं, मैं तमाचा मारो मुझे। आप ही की बात सुन के मैं कटहल लेके उनके कमरे में गया था। पवन जी मैंने तो बाबू भाई के कहने पर मोबाइल पर कटहल ऑर्डर कर दिया था, प्लीज आप समझिए बात को। अच्छा ये सब बाबू की चाल है? फिर तुम चाहे तो ना मैं काम करूं? मेरा रोम रोम चाहता है आप काम मैं काम करूंगा। थैंक यू सो मच पवन जी, पर बाबू का पैकअप कर दो, बाबू को इंडिया वापस भेज दो, उसके साथ काम नहीं करूंगा मैं अपनी ट्यूनिंग का कैमरामैन इंडिया से बुलाऊंगा, उसके साथ काम करूंगा मैं। बाबू भी इसके बारे में ही सोच रहा होगा सीडी। पवन जी आप आराम से दारू पीजिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ ना कुछ करता हूं, ओके? आप रिलैक्स हो जाइए। अच्छा अब समझा मैं, तो ये पवन मास्टर की चाल थी, तभी तो मैं कहूं कि बरखा मेरे ऊपर हाथ कैसे उठा सकती है। हाँ सर, मैंने तो उन्हीं के कहने पर फूलों का ऑर्डर दिया था ना, और आपने सुन लिया और आप चले गए बरखा रानी कमरे में फूल लेकर, और फिर तमाचा पड़ा, और सर इतना बुरा लगा जब मैंने सुना कि आप। ठीक है बस करो, तुझे याद रखूंगा पवन। सिटी ये पवन का पैकअप करो यार। सर मैं भी यही सोच रहा था कि इनका पैकअप कर देते हैं, झंझट खत्म करते हैं। लेकिन लेकिन क्या सर, मैंने बरखा रानी से इस बारे में डिस्कस किया था, गड़बड़ है। क्या क्या गड़बड़ है? बरखा रानी अपनी ट्यूनिंग का डांस डायरेक्टर बुलाना चाहती हैं, और मैंने सुना है कि वो उनका बहुत पुराना आशिक है। ओ। और आउटडोर का मामला है, आपका तो सारा खेल चौपट हो जाएगा ना, इससे तो पवन बेवकूफ क्या बुरा है, कम से कम आप उससे फाइट तो कर सकते हैं। यू आर राइट, यू आर राइट। सर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस फाइट में जीत सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। बरखा रानी आप पे ही बरसेगी फुल चांसेस। बाबू भाई काली जबान है, जो बोलता हूँ सच हो जाता है। सिडी सुनो, पवन का पैकअप मत करो यार। सर वेरी गुड, ये तूने बहुत अच्छा किया,
बरखा रानी की ट्यूनिंग का कैमरामैन नहीं आना चाहिए। बिल्कुल हाँ सर, मैंने सुना है 16 साल पुराना आशिक है बरखा रानी का, उसके आगे आपकी दाल कहाँ गले। और बाबू भाई बेवकूफ है, लेकिन कम से कम आप उससे फाइट तो कर सकते हैं। यू राइट है सर, मैं दावे के साथ कहता हूँ सर, इस फाइट में जीत सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। अच्छा, बरखा रानी आप पे ही बरसेंगी, फुल चांसेस हैं। वेरी गुड सर, काली जबान है, जो कहता हूँ सच हो जाता है। अच्छा सीडी, हाँ बाबू का पैकअप मत करो सर। रॉकी स्पीकिंग। जाहिद मेरे पास है। तुम कौन हो? फ्रेंड, तभी तो तुम्हें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। मुझे जाहिद से मिलना है। तुम मिकाडो प्लाजा पहुंचो, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। ओके प्लीज कम इन। वो रहा जाहिद। जाहिद कोमा में है। कोमा? डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब कैसे हुआ? दो नंबर के धंधे में काम करने वाले आदमियों के साथ ऐसे होते ही रहता है। जाहिद प्रोफेशनल नहीं है। यस आई नो, जुए में हारने के वजह से फंस गया है। जाहिद ने आपके बारे में कभी कुछ बताया नहीं? उसके साथ मेरी पहली मीटिंग तब हुई जब उसे गोली लग चुकी थी। बेहोश होने के पहले मुझे उसने तुम्हारा नंबर दिया। तुम उसके बचपन के दोस्त हो, ऐसा कहा उसने। उसे कुछ और लोग भी ढूंढ रहे हैं। जब तक उसके पास ये है, सिंडिकेट का हर शख्स उसे ढूंढता रहेगा। सिंडिकेट? यस, इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट, जिसका एक सदस्य मैं भी हूं। आप? हाँ मैं जॉन डिसोजा। लास्ट 20 साल से उस सिंडिकेट का मैं वफादार हूं, लेकिन अब उस सिंडिकेट को बर्बाद करना ही मेरे लाइफ का मिशन है। माइकल, माय ओनली सन, ही डाइड लास्ट मंथ। यू नो द रीजन बिहाइंड इट? उसके मौत की वजह जानते हो? ड्रग्स। यस माइकल, टॉल डार्क हैंडसम, मैं उसे कंप्यूटर इंजीनियर बनाना चाहता था, तो आपके हॉस्टल में रखा था उसे, लेकिन दूसरों को मौत की नशा बेच के जो पैसा मैं कमाता था, मेरे बेटे ने उसी पैसे से खुद की मौत खरीद ली। गॉड, गॉड ने थप्पड़ मारा मेरे मुंह पर, इतना जोरदार थप्पड़ के मेरे जमीर को झिंझड़ कर उसने मुझे ये रियलाइज करवाया कि मैंने किए हुए बुरे कामों की वजह से कितने माता पिता ने अपने जवान बेटों को खो दिया होगा, जैसे मैंने अपने माइकल को खो दिया। आई हैव लॉस्ट माय सन, आई हैव लॉस्ट हिम। रोया, मैं बहुत रोया। बाद में चर्च में जाके कन्फेस किया, गॉड को प्रॉमिस किया कि मैं इस सिंडिकेट को खत्म कर दूंगा। आई विल फिनिश इट ऑफ। बस अब मेरे जिंदगी का ये एक ही मकसद है, और प्रायश्चित तभी। लेकिन अगर मेरे मिशन का पता सिंडिकेट को चल गया तो वो मुझे शूट कर देंगे, इसीलिए मैं तुम्हारे जरिए हमारे सिंडिकेट के हर एक इंपॉर्टेंट आदमी का नाम, पता, उनकी स्टाइल ऑफ ऑपरेशंस पूरे प्रूफ के साथ इंटरपोल को देना चाहता हूं। तुम फिल्म लाइन के साथ कनेक्टेड हो, तुम्हारे ऊपर किसी को डाउट नहीं आएगा। विल यू हेल्प मी यंग मैन प्लीज? यंग जनरेशन को मौत से बचाने के लिए मैं आपका साथ जरूर दूंगा अंकल। थैंक यू वेरी मच यंग मैन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। क्या बोल रहे हो बंटी और बॉबी? हाँ रॉकी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जाहिद तो मजबूर था, हाँ। इसलिए वो ड्रग्स लाया, हाँ। तो बंटी और बॉबी जाहिद को क्यों खोज रहे हैं? इन लोगों का जरूर उस आदमी से कनेक्शन है, हाँ। जिसका माल जाहिद लाया था। इसका मतलब मेरी एल्बम का हीरो विलन का साथी।
देखो ये बात यूनिट के किसी भी आदमी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ। और खास तौर पर बरखा रानी और टीकू सेठ। मैंने जॉन अंकल से प्रॉमिस किया है कि उनकी हेल्प करूंगा। हेल्प करो, जरूर करो, नेक काम है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हाथ पैर बचा के। और मैं तो कहता हूँ बजाय इन दोनों से भिड़ने के इन दोनों पे नजर रखो कि इन दोनों का कनेक्शन किस आदमी से है। यू आर राइट। जी हाँ। और पीछे अपने बाप को लगा के ला रहा है। पलट मत। रॉकी तेरे पीछे आ रहा है। हमारे आदमी वहाँ पर पहुँच गए हैं और जैसे ही हंगामा शुरू होता है तुम लोग वहाँ से निकल जाना। कमाल है यार, एकदम कमाल है। क्या कमाल? यही जो आप कहने वाले हो। आप पहले ही समझ गए। मुझे आईडिया ना सब। नहीं, मैं ये कह रहा था, देखिए कितना कमाल है कि बरखा रानी का मैं भी दीवाना और आप भी दीवाने। यस करेक्ट।
इसलिए हम दोनों में से किसी एक को बरखा रानी का भाई बनना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई बनेगा कौन? अरे ये मुश्किल है। नहीं नहीं मुश्किल नहीं है। नहीं नहीं बहुत बड़ी मुश्किल है। कैसे? आपको पता नहीं है कि मैं बरखा रानी को कितना चाहता हूँ। नहीं भाईजान, आपको मेरी चाहत का अंदाजा नहीं है कि मैं कितना घुसा हुआ हूँ अंदर तक। अरे तो बाहर आइए ना। अगर आपको मेरी चाहत का अंदाजा होता तो अब तक आप बरखा रानी के भाई बन चुके होते। देखिए भाईजान, ज्यादा गुस्सा मत होइए, कंट्रोल में रहिए। ये अपने आप हो रहा है, बॉडीज हो रही है। नहीं नहीं ये बॉडी वॉडी सब घुस जाएगा। वो आगे मालूम पड़ेगा ना। एक ही पड़ेगा बस। नहीं नहीं एक काम करते हैं, दोनों बरखा रानी के पास चलते हैं। चलते हैं। उन्हीं पर फैसला छोड़ते छोड़ते हैं कि वो किसे बनाती हैं सैया और किसे बनाती हैं भैया। डायरेक्टर प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रहा भैया, प्रोग्रेस। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, शूटिंग तो रोज चल रही है, शेड्यूल भी फाइनल हो गया है सर, लोकेशन भी पूरी तरह देख चुका, सब कुछ अच्छा चल रहा है सर। मुझे अपना लोकेशन दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप बरखा रानी जी की बात कर रहे हैं सर। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, कल मैंने आपकी तारीफ में इतने पुल बांधे। पुल पे ट्रैफिक चलाओ, गाड़ियाँ दिखनी चाहिए। ट्रैफिक हो जाएगा तो एक्सीडेंट का खतरा रहता है ना। सर आप चिंता मत कीजिए, इंडिया जाने से पहले आपका काम हो जाएगा। मैं हूँ सर। अरे टीकू जी से पूछ ले। सत्यानाश, एक अनार तीन बीमार। आओ बैठो बैठो बैठो, अब मजा आएगा महफिल का। टीकू जी हम लोग कुछ पूछने आए आपसे, और आप जो फैसला देंगे उसको मानेंगे हम लोग। अच्छा भैया, हम तो दिलों का फैसला करते हैं। टीकू जी दिल का ही मैटर है। हुआ ये इत्तेफाक से हम दोनों एक ही लड़की को प्यार करते हैं। अरे सर छोड़िए ना प्यार प्यार की बातें, आप दारू पीते हैं। खामोश सीढ़े साहब, अपनी जगह बैठो, आप बच्चे हो, आप बोलो। आप टीकू जी, ये जिस लड़की से प्यार करता है इसका कहना है कि उसको मुझसे ज्यादा प्यार करता है, और मेरा दावा है कि मैं उस लड़की को इससे ज्यादा प्यार करता हूँ, तो फैसला कैसे होगा कि वो लड़की किसके साथ जानी चाहिए? पहले ये बताओ कि वो लड़की है कौन? नाम कोई नहीं बताएगा। अरे सर सच्चा इश्क तो इसी को कहते हैं कि महफिल में अपनी महबूबा का नाम ना उछाला जाए। अरे इसी को तो सच्चा इश्क कहते हैं, उसका उसका नाम बताने की क्या जरूरत है? आपने वो गाना नहीं सुना? वो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब। क्या बात है क्या बात है सर, सर सर मैं वही बता रहा हूँ, अनिल कपूर ने पूरा गाना खत्म कर दिया, एक बार भी अपने मुंह से उस लड़की का नाम नहीं लिया। हाय डायरेक्टर, मेरा इश्क भी इसी लेवल का है। टीकू जी अपना इश्क भी इसी लेवल का है। और टीकू जी मेरा इश्क आपके लेवल से थोड़ा ऊपर का है। ये मेरी फिल्म में मुझे नहीं चाहिए। टीकू जी मेरा इश्क आपके लेवल से और नीचे लेवल का है। मेरी हर फिल्म में ये आदमी मुझे चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि वो लड़की है कौन? मैं बता सर सर मैं बताता हूँ, जिसे आप चाहते हैं वो लड़की कौन है, जिसे आप दोनों चाहते हैं वो लड़की कौन है, मुझसे भला बेहतर कौन जानता है? डायरेक्टर इधर बैठ, इधर बैठ मेरे बाजू में बैठा। लेकिन वो जो भी है वो आप तीनों के बीच में एक ही है। मतलब टीकू जी भी ये बता रहा है? तो मैं बताऊँ, ईश्वर एक है, एक है, और सूरज भी एक है, एक है, और चांद भी एक है, एक है, लेकिन उसकी महिमा देखिए, सितारे अनेक हैं। तो आप तीनों सितारों की तरह हैं, और आप जिसे प्यार करते हैं उसे प्यार से आप चांद कहकर बुलाते हैं कि नहीं? हाय तो आप तीनों के बीच में एक चांद हुआ कि नहीं? अरे डायरेक्टर पॉकेट में इतना काय को हंसता है? नहीं ये टीकू जी कमाल करते हैं। क्यों? पहले सर्कस में था। नहीं नहीं कमाल का मतलब, कल लिमोजिन बुक करा के रखी है और कह रहे थे बरखा रानी को पूरा टोकियो घुमाऊंगा। ए तू अपने सर जी को बोलना, ये जो बरखा रानी है ना, अक्खा वर्ल्ड घूम के बैठी है। तू जा उनके साथ घूम के आ।
मैं सीडी हूँ बरखा जी, बरखा रानी तो आप हैं, समझिए बात को। हाँ, सब समझती है अपन, सब समझती है। जब 12 साल की थी ना तब से ये लोचे समझती नहीं, है। नहीं लोचा नहीं, हाँ सम्मान, सम्मान दे रहे हैं आपको। ये जो बड़े लोग होते हैं ना सामान देख के सम्मान देते हैं। हाँ। अरे आपसे तो बात करना, हाथी चड्डी पहनाना एक बराबर है। बोले तो अंडरवियर क्या? बरखा जी जब तक मेरी ये फिल्म कंप्लीट नहीं हो जाती प्लीज आप टिक्कू जी के साथ तालमेल रखिए, ये तालमेल रखना बहुत जरूरी है। आप ये समझ लीजिए वो तोता है और आप मैना। ए तू मेरे को सप्लाई कर रहा क्या? शी, शी, आपने एक ग्रेट फिल्म मेकर के सपने को चकना चूर कर दिया बरखा जी। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ हाँ नमस्कार नमस्कार शंकर जी। हाँ बोलिए बोलिए, कौन सी फ्लाइट से आ रही है? जी मैं रिसीव कर लूंगा। हाँ नहीं नहीं गाना फिनिश होते ही मैं वापस भेज दूंगा। ओके थैंक यू बाय टेक केयर। सना आ रही है, कल हम सना और रॉकी का गाना शूट करेंगे। देखो वो आ गया। जाहिद होश में आ गया है। He is fine. Thanks God. मैं कल जाहिद से मिलने आऊंगा। मैंने वो जगह बदल दी है। तो आप नया एड्रेस दे दीजिए मुझे। फोन पर नहीं। कल तुम मोटरसाइकिल ट्रेनिंग ग्राउंड आ जाना। मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा।
रॉकी, यार कम कम, तुम ऊपर रेस्टोरेंट में चलो, कॉफी का ऑर्डर दो, मैं दो मिनट में आता हूँ। ए रॉकी, रॉकी, या हेलो, जॉन, बॉबी। मैंने सोचा था तू एक दिन बनेगा डॉन, क्यों करी तूने जाहिद के साथ पहचान? तुझे इन सब बातों का देना पड़ेगा जवाब तमाम। गेट मी जाहिद एंड जॉन। बांगा साहब, मैं तीन दिन से लगातार उनके घर के चक्कर काट रहा हूँ, उनका कोई पता नहीं। क्लेवर मैन, क्लेवर मैन, सिंडिकेट के हर मेंबर को उसके पीछे लगा दो। जिंदा जिंदा चाहिए मुझको ये जॉन। कोई होशियारी की तो लड़की को गोली मार दूंगा। चल हीरो, चलता रहे, चल चल, चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर, वरना तेरी मौत नीचे भी है और ऊपर भी है। देख, अब तू इसे छोड़, उधर जाके बैठ, जा जा बच्चे, जा जा बैठ। तेरी तो उधर बैठ, बोलता हूँ बैठ, बैठ नहीं तो देता हूँ, बैठ साला। हीरो बनता है छोटे, कोई हरकत करे तो शूट कर देना इसे। हिम्मत, ओह बड़ी मक्खी वाली चीज है। छोटे दिखता क्या है? हाँ दिखता क्या है बता, जॉन कहाँ है? बोले नंगा कर दूंगा तेरी चॉकलेट को, बता जल्दी, चले कपड़े उतार, टेक इट आउट, आउट आउट, बता जॉन कहाँ है वरना दूंगा एक, जल्दी कर, डाउन डाउन, टेक इट आउट, डाउन, आई से टेक इट आउट, नो, देखा अब टॉप निकाल, टेक इट आउट। Oh my God! Take it out! This is no. Take it out! What you doing? Take it out! Come on, buddy. Upar. Upar kar. No. Upar kar. Upar. Pura upar. No. All upar. Karte ro. Karte ro. Upar. I said, take it out. Yeah. Ah!
की। Are you all right? Just relax. डायरेक्टर, अरे यार नींद नहीं आ रही है। सर सर नींद की गोली ले लीजिए, सर तकिए के नीचे हाथ डालिए, शीशी वहीं कहीं होगी सर। आशिक को कोई गोली असर नहीं करती। सर मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो, बरखा रानी को फोन दो, हम उनसे बात करना चाहते हैं। सर जी थोड़ी देर पहले बरखा रानी का फोन आया था, वो भी यही कह रही थी टीकू जी को उठाइए, मैं उनसे बात करके सोना चाहती हूँ। अरे तूने मुझे उठाया क्यों नहीं यार? सर जी बरखा रानी ने ही रोक दिया, कहने लगी इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं आप पर, थक गए होंगे, सोने दीजिए, जितना आराम मिलेगा उतने निखर जाएंगे, हैंडसम लगेंगे सर। ऐसा कहा उसने? ऐसा ही कहा सर। रख दे यार, रख दे यार, आई 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 आ रही है, नींद आ रही है, रख दे यार, नींद आ रही है, फोन रख दे यार। Oh my God! Yeah, yeah, da 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 di 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 dum da 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 dum yum da 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 da. Aye aye, पहले अकेला था, अब दुकेला हो जाऊँगा. Yoo-hoo! जी जी खुश तो बुझी. आ रहा हूँ। खुला आई, खुला है जो, 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 बरखा जी आ मैं आइए आइए आई, चल फिट हो जा, फिट पैर जा, फिट हो गया। हाँ। बरखा जी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आप मुझे फोन भी नहीं करती और आप मेरे कमरे में भी नहीं आती। टीकू से जिस दिन अपन को पागल कुत्ता काटेगा ना, उस दिन तेरे कमरे में भी घुसेगी और तेरे को फोन भी मारेगी। मारा? हाँ? कितना अच्छा जोक मारा। I like it. काम की बात करना यार। यार आय हाय, आंखें बंद करो ना प्यार। हाँ? मेरा मतलब है आंखें बंद कीजिए प्लीज। पकारेला साला। जी कुछ नहीं आंखें बंद की, अब बोल। बंद ही रखना। आंखें खोलो, डायमंड का नेकलेस। एल्बम की छपरी हीरोइन के वास्ते असली डायमंड का हार काई को लाया यार। दोबारा यार, ये उसके लिए नहीं है मेरे प्यार। क्या बोला यार? ओह तो अपनी गर्लफ्रेंड के वास्ते लाए हो। सही जवाब, सही ऑप्शन पकड़ा है आपने। यस, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए जो कुछ ही समय के बाद मेरी बीवी बनने वाली है। मुबारक हो, मुबारक हो। अब उनको कब मिला रहा है उससे? हाय, कम सिन हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली हो। ए, फोकट में मेरा भेजा काई को खा रहा है, नहीं मिलाना है तो मत मिला। अब उनको क्या पढ़े लिए? पढ़े लिए सामने ही तो पढ़े लिए। बोले तो मैं आपको आपसे कैसे मिला सकता हूँ? आप तो अपने आप से ऑलरेडी मिली हुई है ना। अरे यार कभी तो अपने अक्कल का ढक्कन खोले तो। अरे आप ही तो वो गर्लफ्रेंड हो और आप ही तो मेरी बीवी हो। आई आई नहीं, मत रोकिए मुझे, बहुत शर्म आ रही है। ए सीडी किधर है रे तू? अभी क्या भी मेरे कमरे में आ। कुल्ले! जी बरखा जी। ए तेरा टीकू सेट छटिया गया क्या? क्या 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 हो गया बरखा जी? ये देख। हा? ये असली डायमंड का हार देके गया मेरे को। तो रख लेती ना आप। ए कोठे पे बैठी है, सड़क पे खड़े ली है। अगर अपन का ये दरवाजा 2400 घंटे खुला है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी किधर से भी अंदर घुस जाए। हाँ तो घुसेगा ही ना। आप जो सारी दुनिया को कहती रहती हैं खुला है खुला है, सच पूछो तो मैं भी पहले गलत समझा लेकिन बाद में औकात देख के बदल गया। तो अपने सेठ को भी उसकी औकात बता दे। हाँ। बोल दे उसको मैं चांदनी बार की चमेली नहीं है। नहीं बरखा जी मतलब मुकद्दर का सिकंदर की जरूरत।
नहीं प्रखा जी, आप तो ए, अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता है क्या? नहीं प्रखा जी, खाम खा आप... हार दिखाता है, ऐसे हार बहुत देखे मैंने। जब मैं टॉप पे थी ना तो रोज दुबई से फोन आते थे, और अगर ऐसे हार इकट्ठे करने बैठी ना तो दुकान लगा लेती मैं। दुकान जी आप नहीं, उसका कोई गलत इरादा नहीं है, वो आपसे करना चाहता है शादी। बोल के गया, बोल दिया, बोल दिया। ए, मैं मुबारक हो, मुबारक हो। ए, सुनो, ए, चुप, चुप, साला। ए, शर्मा के तो ऐसे भागा जैसे मैं राजी हूँ। नहीं, शर्मीला बच्चा है। ले जा, ले जा ये हार, और अपने सेठ को दे देना, और बोल देना उसको अगर शादी करनी होगी ना तो पवन राजा या बाबू भाई में से किसी का हाथ थाम लूंगी मैं। हाँ, प्यार इसे ही कहते हैं। साला दोनों के कान के नीचे भी बजा दी, फिर भी कोई कुछ नहीं बोला। शादी करनी हो तो ऐसे ही मासूम लोगों के साथ करनी चाहिए। चमेली जी, जोहरा जी, सिकंदर साहब, सिकंदर साहब, बरखा जी, आप ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश तो। फैसला अपुन एक इस बार करती है, बोल दिया सो बोल दिया। ये हार ले जाकर उसके मुंह पर मारना, वरना तेरी फिल्म छोड़कर निकल जाएगी मैं, और तेरे करियर की तो लग जाएगी। लग गई सत्यानाश, ये डायरेक्टर बनने का सपना पता नहीं क्या क्या करवाएगा। मैं कसम से अब तो सिर्फ हमें टट्टी उठानी बाकी रह गई है। ये टिकू सेठ, तेरी तोप। ये सुनकर कलेजे को ठंडक पहुंच गई कि बरखा रानी मुझसे शादी करने को तैयार है। मुझसे नहीं, मुझसे नहीं, मुझसे नहीं, हम दोनों में से कोई एक कहो। बरखा, अब सवाल उठता है कुर्बानी का कि ये कुर्बानी देगा कौन? तो दे दो कुर्बानी, और कुर्बानी ऊपर वाले को बहुत पसंद है। अच्छा, तुम भी तो ऊपर वाले के बंदे हो, ये कुर्बानी देकर खुश कर डालो उसको। मैं नास्तिक हूँ, नास्तिक हूँ मैं। क्या? एक एक लड़की के लिए ईमान बदल दिया? शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम अब देखो, हाँ। देखो पवन जी, एक बात कान खोलकर सुन लो। हाँ। कि बरखा रानी से सिर्फ मैं शादी करूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं खुशखबरी आपकी वाइफ को बता दूं? चलेगा। वेरी गुड। तुम मेरी बीवी को बता दो। हाँ। मैं तुम्हारी लोखंडवाला वाली, गोरेगांव वाली, नहीं, नहीं, मलाड वाली और दहीसर वाली गर्लफ्रेंड को बता देता हूँ। नहीं नहीं, एक से रुको रुको बाबू भाई, झगड़ा करके कोई फायदे नहीं। नहीं नहीं, कोई फायदे नहीं झगड़ा करके। अच्छा सुनो बाबू भाई, बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्टर से आपका झगड़ा हो जाता है तो आप वो फिल्म छोड़ देते हो। हाँ, तो उसी तरह से ये बरखा रानी को छोड़ दो, सिंपल है, छोड़ सकते हैं। वैसे वैसे पवन जी, कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप लड़कियां सेलेक्ट करके लाते हैं। हाँ। डांस के लिए। हाँ। लेकिन उनमें से कोई लड़की बराबर डांस नहीं करती। हाँ। तो आप उसे ग्रुप से निकाल देते। हाँ। तो बरखा रानी को भी यही सोच के दिल से निकाल दो ना। क्या? नहीं नहीं नहीं, क्यों यार, तुम आदमी हो कि जानवर? और तुम क्या हो? हाँ। और तुम क्या हो यार? हाँ। बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो? मेरे जज्बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो? मेरे प्यार को समझने की कोशिश? एक सेकंड, एक सेकंड, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? मेरे पास आइडिया है, मेरे पास एक सिक्का है। क्या? हम दोनों की तकदीर का फैसला ये करेगा। ओके ओके ओके, गो अहेड, गो अहेड, बोलो, हेड चाहिए कि टेल? हेड। ओके, एक मिनट, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या हुआ? ये शोरे वाला तो नहीं? नहीं नहीं, रामगढ़ का नहीं, जापान का है। यहीं का है? यहीं का है। ठीक है, इसको मैं उछालूंगा। बोलो हेड। अरे तो तुम पे कौन सा भरोसा है मेरे को? अच्छा, हाँ, तो ये सिक्का कोई तीसरा उछालेगा, कोई तीसरा उछालेगा। तीसरा? तीसरा कौन? तीसरा बड़ा सेठ। ओ अच्छा, टीकू सेठ। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है मेरे यार। जी सीडी, सीडी क्यों बंद कर दी? आज यार की शादी नहीं है, आज यार की बर्बादी है सर जी। अरे ऐसे अशुभ बातें क्यों करता है? अरे शुभ को तो आपने अशुभ बना दिया सर जी। है? मैं इतने प्यार से सीमा पार कर रहा था, क्या जरूरत थी आपको मिसाइल मारने की? बरखा रानी ने आपके साथ शादी करने से मना कर दिया। क्या? हाँ। क्या बात करता है तू? क्यों? ये लीजिए हार, इसे आप ही पहन लीजिए। और वो जो शादी का हार आप लेकर आए हैं, उन्हें भी आप ही पहन लीजिए, और इस सुहागरात के बिस्तर पे भी आप ही बैठ जाइए, और सुहागरात भी अपने आप से अपने आप मना लीजिए। अरे सीढ़ी, ऐसी बातें क्यों कर रहा है यार? तू ही तो वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर मैं बरखा रानी तक पहुँचा हूँ। सीढ़ी अब सीढ़ी नहीं रहा, सीढ़ी का करियर मिट चुका है, सीढ़ी अब पायरेटेड सीढ़ी हो गया। पायरेटेड?
ये गेम बिगड़ा कैसे सीढ़ी? अरे शुभ काम करने से पहले समय देखा जाता है, राहु केतु के खेल देखे जाते हैं, शनि की दशा देखी जाती है। आपने कुछ देखा नहीं और सीधे शनि देवल की तरह घुस गए विलन के अड्डे पे। विलन मत बोल, बरखा रानी बोल यार। घुस गया, गलत किया मैंने। अब क्या होगा? एक काम करते हैं, अब मुंबई चलते हैं, वहाँ से आपके लिए बरखा रानी का डुप्लीकेट ढूंढते हैं और आपकी शादी करवा देते हैं। डुप्लीकेट? नहीं, सीढ़ी, पूरा जापान जानता है कि मैं सिर्फ ओरिजिनल माल खरीदता हूँ। दीकू जी, आ गए राहु केतु। सर जी, क्या? लड़की शादी करने को तैयार है मुझसे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो दोनों को चाहती है। यह उसको संभाल नहीं पाएगा, लेकिन फिर विजिट कर रहा है। तो उसमें मैं क्या करूं? सर जी, हम ये चाहते हैं किसी का उछाल के आप फैसला करें कि वो मुझे मिलनी चाहिए या फिर किसी और को नहीं। अरे ये लड़की है कौन? सर जी, वो लड़की जो भी हो, अगले आधे घंटे तक समय बड़ा मनहूस चल रहा है और देखो सर जी को बहुत नुकसान हो गया है। जो भी फैसला लेना है आधे घंटे बाद लेना है प्लीज। ये सब मैं नहीं मानता, आप जाइए यहाँ से। मानना पड़ेगा, नहीं तो वो सारी चीजें जो लड़की के लिए खरीद कर लाए हो ना, वो सब तुम्ही को पहननी पड़ेगी और बिस्तर पे भी खुद ही को लेटना पड़ेगा और सुहागरात अपने आप से मनानी पड़ेगी। अकेला आदमी कैसे कर सकता है? आप सब, तुम लोगों को विश्वास नहीं है? नहीं। लाओ सिक्का दो, सिक्का दो, सिक्का दो, सिक्का दो, लाओ सिक्का है आपके पास। लाओ लाओ, निकालो निकालो निकालो। शनि की हरकत है ये, इसलिए अपने अपने कमरे में जाइए प्लीज और आधे घंटे बाद फैसला होगा कि वो लड़की है कौन। लेकिन सीढ़ी, ये लड़की है कौन? मैं आपको बताऊंगा तो आपको शौक लग जाएगा। पवन जी, अशुभ घड़ी में नाम भी मत लीजिए उस लड़की का। अपने कमरे में जाइए, आधे घंटे में ही मुलाकात होगी प्लीज। लेकिन ये लड़की है कौन? मैं आपको बताता हूं। अरे आप उस लड़की का नाम बताने में क्यों तुले हुए हैं? ये छत गिर जाएगी, पत्थरों की बारिश होने लगेगी, हंगामा हो जाएगा, सर जी का हार्ट फेल हो जाएगा। नहीं सुनना है, तुम लोग जाओ ना यार, समझते नहीं हो। चलो चलो निकलो बाहर, चलो चलो बाहर निकलो। सर जी आप ख्याल रखना अपना। लड़की का नाम नहीं सुना है, फिर भी इन लोगों ने बताया नहीं कि ये लड़की है कौन। अरे खेल खत्म हो गया, हमारे अन्नदाता टीकू सेठ का खाता बंद हो रहा है। लोचा करेगा तो बैंक में खाता बंद होगा। नहीं, बैंक का नहीं, जिंदगी का खाता बंद हो रहा है। बोले तो टीकू सेठ से आपको शिकायत थी ना कि वो हवा छोड़ते हैं। हवा छोड़ने वाला इंसान अब इस दुनिया को छोड़ रहा है। क्या? हाँ, इसीलिए अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बड़े अरमानों के साथ शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे आपके पास। लेकिन उसे हुआ क्या है? अरे वही जो आपकी माँ को हुआ था, ब्लड कैंसर। क्या बोल रहे? हाँ, हिंदी में बोल रहा हूँ। अरे इतना जिंदा दिल इंसान कि 10 दिन पहले पता चल गया था, लेकिन खूब हंसता रहा, हंसाता रहा और आपके साथ सपनों में अपने अरमानों की दुनिया बसाता रहा, और आपने उसे शादी से इनकार कर दिया। ये मैं क्या सुने लिए बाप? अरे वही जो मैं कह रहा हूँ माँ, डॉक्टर ने कहा है अगर समय पे दवाई नहीं ली तो 1 महीना जिएगा और समय समय पे दवाई लेता रहा तो 2 महीना जिएगा, और कहीं आपसे शादी हो गई तो 6 महीना जिएगा। मेरे टीकू को 4 महीने दे दीजिए प्लीज, प्लीज मेरे शर्मीले टीकू सेठ को 4 महीने दे दीजिए। अपनी नफरत को टोकियो की गटर में उठाकर फेंक दीजिए और याद कीजिए मैं चली का वो सीन जिसमें बीमार विलेन को खुशी देने के लिए आपने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी थी। और बरखा जी, उस फिल्म के लिए आपको जबरदस्ती अवार्ड मिला था, और वही सीन आपकी रियल लाइफ में सामने है। इस सीन के लिए आपको सीधा स्वर्ग मिलेगा। प्लीज आप बचा लीजिए। कहाँ जा रही है? टीकू के पास। जाओ, खूब ख्याल रखो टीकू सेठ का, खूब ख्याल। अब आएगा मजा। आई टीकू सेठ को कैंसर है तो मैंने टीकू सेठ को बताया ही नहीं। रखो। बरखा जी, आप रो क्यों रही है? सर जी, ये आपका हाल सुनकर रो पड़ी, ये पछतावे के आंसू है। हकीकत सामने आने के बाद में शादी करने के लिए तैयार है। हकीकत? कैसी हकीकत? सर जी,
कितना छिपाएंगे आप? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। मैंने बरखा जी को सब बता दिया है। आपने अपन से सच्चाई छुपा के अपन को बहुत दुख पहुंचाया है। मैंने दुख पहुंचाया? सर जी कोई फायदा नहीं है, आप बहानेबाजी बंद कीजिए, सॉरी बोलकर बरखा जी को गले लगा लीजिए। टाइम बहुत कम है आपके पास। टाइम? हाँ बहुत कम है, मुझे पेरिस जाना है। शादी के बाद मुझे पेरिस जाना है, बिजनेस शुरू करना है। कब तक बिजनेस कर करके माल छापते रहेंगे आप? अब आप आराम करेंगे, अब बिजनेस अपुन करेगी, माल भी अपुन ही छापेगी। बोले तो बिजनेस टूर पे भी अपुन ही जाएगी। सीढ़ी बहुत अच्छा लग रहा है यार। देखा आपके एक हौसले ने कैसा चेहरा खिला दिया है। और कहीं आप जिंदगी में आ गई तो पूरी जिंदगी खिल उठेगी, शायद 6 साल तक जिंदा रह जाएं। 6 साल बोले तो? अरे सर जी उम्मीद का दामन मत छोड़िए, पकड़ लीजिए, प्यार जिंदगी को बढ़ाता है। ये लीजिए हार, कर लीजिए इन्हें स्वीकार, और आप इन्हें दे दीजिए महीने 4। 4 महीने बोले तो? सर जी बड़े बुजुर्ग कहते हैं जिंदगी 4 दिन की होती है, लेकिन खूबसूरत पत्नी का साथ 4 महीने कर देता है, और 4 महीने 40 साल के बराबर होते हैं, और प्यार करने वालों के लिए 4000 साल, और आप जैसे सच्चे आशिक के लिए 4000 करोड़ साल। 4000 करोड़ साल? प्यार करते जाइए, उम्र को मल्टीप्लाई करते जाइए, और बोले तो बीच मत बोलते जाइए। हार पहनाइए, टाइम नहीं है, हार पहनाइए। जल्दी करो, 1 मिनट। सीढ़ी आधा घंटा हो। तुम लोग लेट हो गए, चलो अब ये शादी के बंधन बन चुके हैं, आप लोग इन्हें आशीर्वाद दीजिए और आप निकल लीजिए। एक मिनट, इस खुशी के मौके पर ये तो बताओ कि वो लड़की कौन है। अरे नहीं सर, अब वो सिचुएशन नहीं है, आप लोग हनीमून पे कंसंट्रेट कीजिए और आप लोग निकल लीजिए। चलिए। ए सीडी, तू तो अपन की जिंदगी का रियल डायरेक्टर बन गया रे। मैं बहुत खुश हूँ। एक्शन तो बोलता जा। अच्छा, एक मिनट, आप लोग एक दूसरे को देखिए, आंखों में आंखें डालिए, थोड़ा सा शर्माइए, उसके बाद शुरू हो जाइए। हेलो रॉकी यार, मेरे मिशन के बारे में सिंडिकेट को पता चल चुका है, मुझे जिंदा पकड़ने के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। आप मुझे उनके नाम और पता बता दीजिए, मैं इंटरपोल को इन्फॉर्म कर दूंगा। कुछ इम्पोर्टेंट आदमियों की इन्फॉर्मेशन मिलना बाकी है, वो मिलते ही उसकी सीढ़ी बनाकर मैं मेगुमी को पोस्ट कर दूंगा। गुड आइडिया, मैं मेगुमी के करीब ही रहूंगा। रॉकी, जॉन ने जो सीढ़ी भेजी है मुझे दे दे। मैं ऐसी किसी भी सीढ़ी के बारे में नहीं जानता। ना कहने का अंजाम जानता है।
सीढ़ी के चक्कर में गलती से मेरा चाकू उस मेगोमी को लग गया। मर गई कि जिंदा है? हॉस्पिटल में। बच गई तो जापान में रहना, मर गई तो प्राइवेट बोर्ड करके जापान छोड़ देना। लगा भाई लगा, ये सीडी लगा, जरा देखे हमारे प्यारे प्यारे जॉर्नेस में क्या क्या भरा है। ये सीडी नहीं है, ये सिर्फ सीडी नहीं है, इसमें हमारी सिंडिकेट की तमाम हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। पता पता पता, मेरे को कार्टून फिल्म बहुत अच्छी लगती है। जब मैं कॉलेज के अंदर पढ़ता था ना, तो मैं एग्जाम देने से पहले हर रोज सुबह कार्टून फिल्म देखता था और बिना एग्जाम दे ही पास हो जाता था। वो कैसे? वो ऐसे कि एक हाथ में मेरे गन होती थी और सामने प्रिंसिपल साहब की खोपड़ी। चुप बांगा साहब। दो दिन के अंदर अंदर मुझे जॉन और असली सीडी चाहिए, वरना मैं तुम दोनों की कार्टून फिल्म बना दूंगा। शी इज ओके। सब ठीक हो जाएगा। हेलो हेलो रॉकी बेटा, मम्मी बोल रही हूँ। अरे मम्मी कैसी हैं आप? बस बेटा मैं तो ठीक हूँ, तू कैसा है? तुझे बहुत मिस कर रही हूँ, कब आ रहा है वापस? बस शूटिंग पूरी खत्म होती ही मैं फटाफट चलाऊंगा। अच्छा अच्छा, और सुन मेरी बहू कैसी है? वो जापानी गुड़िया? जाहिद कह रहा था वो बहुत खूबसूरत है। जाहिद कब पहुँचा उधर? कह रहा था किसी जॉन अंकल ने बहुत मदद की उसकी इंडिया आने में। बस बेटा अब तू भी जल्दी वापस आ जा,
और मेरी बहू को भी साथ में ले आना, ठीक है? हाँ, अपना ध्यान रखना, बाय बेटा, आओ जी। ओके मम्मी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। सर। यस। ये कोई देकर गया आपके लिए। ओके, थैंक यू सर। माय न्यू एड्रेस 13-2 कोयामा सिंदेंचो इकिबुकुरो टोक्यो फ्रॉम जॉन। अरे बांगा जॉन, मेरा दोस्त, मेरा साथी, जॉनी जॉनी, यस पापा, ईटिंग ऑमलेट, यस पापा। देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ऑमलेट बनाया है। तुम यहाँ पे विदाउट एनी इंफॉर्मेशन? वेरी वेरी चाइल्डिश क्वेश्चन। 20 साल से तुम मेरे साथ काम कर रहे हो और तुमको ये नहीं मालूम कि बांगा अपने साथी के पास विदाउट इंफॉर्मेशन कब जाता है? इमरजेंसी? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी। एक काम करते हैं, पहले ऑमलेट खाते हैं विस्की के साथ, उसके बाद बातें करते हैं ऑमलेट विद विस्की। चीयर्स, चीयर्स। हाँ हाँ, व्हाई नॉट, चीयर्स। ऑमलेट खाओ, ऑमलेट खा खा, जल्दी खा। मैंने ऑमलेट कैसी बनाई? अच्छी है, अच्छी है ना? इसमें पॉइजन था। नाउ यू आर डेड। कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइजन तुम्हारे शरीर में घुस चुका है। डर गया? एक मिनट, एक मिनट। मैंने भी खा लिया, पॉइजन नहीं था। अरे तू तो मेरा पुराना दोस्त है, पुराना साथी है, मैं पॉइजन डाल के तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? मार सकता हूँ क्या? नहीं ना, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। आई एम वेरी हर्ट। एक बात बता, हमारे सिंडिकेट के खिलाफ प्रूफ इकट्ठे करके तू रॉकी को क्यों दे रहा है? हाँ देख, मैं जानता हूँ कि तू मेरे साथ झूठ नहीं बोलेगा, बता बताना। हाँ भांगा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हारे इसी ड्रग्स की वजह से मेरा जवान बेटा मरा। He's dead, you know? दुनिया में लोग पैदा होते हैं मरने के लिए, और जो जिंदा है ना उनको सिर्फ अपने लिए सोचना चाहिए। नहीं 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 नहीं, दूसरे के जिंदगी को खिलौना समझने वाले को खुद भी जीने का अधिकार नहीं है बांगा। मैं मर गया, मैं मर गया। खाली है। मैं जानता था तू ऐसा ही करेगा। अबे बेवकूफ, अगर मुझे तेरे को मारना होता तो मैं ऑमलेट में जहर डाल के मार सकता था ना। अरे तू मेरा पुराना साथी है, मेरा पुराना दोस्त है। देख बता दे कि असली सीडी कहाँ है। मैं तुझसे वादा करता हूं कि सिंडिकेट के किसी भी आदमी को पता नहीं चलेगा। प्लीज बता। देख, नाउ आई एम सीरियस। और तू अच्छी तरह से जानता है कि जो हमारा सिंडिकेट है वो ऐसे गद्दार को क्या सजा देता है। नहीं बताता जा, नहीं बताता, नहीं 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 नहीं। अरे बताओ असली सीडी किसको दिया है? अरे बता असली सीढ़ी कहाँ है? असली असली सीढ़ी, बोल बोल बोल। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने अपने गॉड को दिया प्रॉमिस, पूरा कर दिया। मर गया साला। कोई बात नहीं, असली सीढ़ी का तो मैं पता लगा ही लूंगा। जॉन अंकल, जॉन अंकल,
जॉन अंकल, जॉन अंकल, जॉन अंकल उठो, जॉन अंकल, जॉन अंकल, ये सब कैसे हुआ जॉन अंकल, कैसे हुआ ये सब? हाँ, कैसे हुआ? सीढ़ी, हाँ, कहाँ है सीढ़ी? हाँ, बोलो जॉन अंकल, जॉन अंकल, जॉन अंकल, ये बास्टर्ड रॉकी आखिर कब तक उसकी मार खाते रहेंगे? पांगा साहब ने कहा है कि कल फैसला हो जाएगा, असली सीडी का भी और उस साले रॉकी का भी। बांगा, बांगा नाम है मेरा, क्या जो आसमान से गिरकर खजूर में जाकर अटक गया। देख भाई, वो जॉन का सीडी मुझे दे दे ताकि मैं खजूर से टपक कर ग्राउंड पर आ जाऊं। सीडी दे दे, दे दे। मेरे पास कोई सीडी नहीं है, मैं जानता था हिंदी फिल्म के क्लाइमेक्स के हीरो की तरह ये पहले नाना करेगा। ये भैया, इसलिए मैंने भी हिंदी फिल्म के क्लाइमेक्स की तरह हीरोइन को अपने कब्जे में कर रखा। शी इज इन माय ट्रैप। हीरोइन, एंटर प्लीज। आइए 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 हीरोइन। हीरोइन को हीरो के पास होना चाहिए। पास रखो हमारी जापानी गुड़िया को। इधर ला। सायोनारा सायोनारा, वादा निभाऊंगी सायोनारा। इधर हीरोइन का टॉर्चर होगा और वो बोलेगी छोड़ दो छोड़ दो, फॉर गॉड सेक छोड़ दो। उधर हीरो बोलेगा देता हूँ देता हूँ देता हूँ सीडी। किसने पुकारा मुझे? Who are you? सीडी। सीडी मीन्स चक्रधारी। ये इस एल्बम का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर? छोटा प्रोड्यूसर। Very nice. Hi, क्या हाल है सर? How are you? How are you? I'm fine, thank you. नहीं नहीं नहीं, I'm not fine, thank you. I'm not how are you? मैंने सब वापस लिया। कोई प्रॉब्लम सर? बहुत बड़ी। ये जो तेरा हीरो ना, ये मुझे बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। अरे दे रहा है ना सर, तो ले लीजिए। ले तो नहीं रहा है ना? Shut up! इसके पास एक सीडी है। वो मैं हूँ सर। अरे छोटा वाला सीडी नहीं, वो गोल वाला सीडी, जो सीडी प्लेयर में डालो तो सामने फिल्म चलती है, वो अच्छा, वाला। अच्छा वो वाली। हाँ। सर किस फिल्म की है? फिल्म की नहीं है, रियल लाइफ डॉक्यूमेंट्री की है। देख वो सीडी मुझे दिला दे, वरना हिंदी फिल्म के क्लाइमेक्स की तरह इस इंडिया हाउस को तुम सबका ग्रेवयार्ड बना दूंगा। सर आप मिस्टेक कर रहे हैं। क्यों? हिंदी फिल्म के क्लाइमेक्स का जो लोकेशन होता है। हाँ? वो विलेन का ग्रेवयार्ड बनता है। शट अप। देख बॉबी, जरा ये बोलता बहुत ज्यादा है और ये बिल्कुल नहीं बोलता है। इन दोनों की इतनी पिटाई कर कि ये बोलना बंद कर दे और ये बोलना शुरू कर दे। वेरी गुड सर, कीजिए अभी कीजिए, बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या है? इस कार्यक्रम को 9:30 आगे कर दीजिए। शनि की दशा ठीक नहीं, राहु केतु एक दूसरे को पीठ दिखा रहे हैं। एक काम कर, तू अपनी पीठ दिखा दिखा दिखा। देखो देखो, पकड़, शर्म नहीं आती लड़की को छेड़ते हुए? थैंक यू जैकी जैन। Hmm?
उधर देख। चल चल इधर घूम, इधर घूम। क्या? अबे तेरा मेकअप ठीक नहीं है, पाटो। मेकअप ठीक नहीं है। तमाशा बना कर रखा तेरा। तेरी तर साले तेरा जीप खुला हुआ है, इधर देख। गेम साले बाड़े जूता चुरा रहा है, जूता चुरा रहा है। अरे थारे में खातिर तेरा हो रहा है। ए ए ए मत ले। ओए ए ए ओए औरत ए चल लियो, चल खेल लियो। हम रोपे ठटर ठटर। ले 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 जा। आ रुक करो करो चला मारा माटाला रे बात करी। मुंह तोड़ता हूँ। सामने से फ्रंटल शॉट, फ्रंटल शॉट दे। अब किक का ध्यान रखो। ए वन मोर, वन मोर। क्लोजअप शॉट, क्लोजअप शॉट। अब जा, अब मेरी बारी तेरी। बहुत हो गया नाच गाना। अबे ओ चटनी के, मेरी जिप खुली। नहीं नहीं नहीं, वो तो बंद है। मेरा मेकअप अच्छा नहीं, नहीं, नहीं वो तो स्पॉन्टेनियस था। अभी तो सिचुएशन दूसरी है ना भाई। सिचुएशन तो मैं बनाऊंगा तेरी खोपड़ी खोलकर। नोबडी मूव्स। हे गेट बैक, गेट बैक। आर यू ओके? चल हो गए 9:30 पूरे। शनि की दशा भी ठीक हो गई, राहु केतु भी सीधे हो गए। व्हाट डू यू मीन? ही मींस टू से कि जॉन ने तुम्हारे सिंडिकेट के हर आदमी के खिलाफ जो प्रूफ की सीडी बनाई थी, वो सीडी मेरे पास है। तुम्हारे पास है? यस मिस्टर बांगा, जॉन ने वो असली सीडी मुझे कोरियर की थी। ओ माय गॉड, इसीलिए जॉन अंकल मरते समय बार-बार सीडी सीडी बोल रहे हैं। यस यू आर राइट। इंडिया में मैं जब टीकू सेठ से फाइनेंस करने की बात करके निकला तो इनके आदमियों ने मुझे किडनैप कर लिया। सर, आप लोग कौन है सर? सर मुझे तो अभी फाइनेंसर मिला है। फाइनेंस नहीं मिला है सर, मैं तो अपने घर का किराया भी नहीं दे पाया सर, प्लीज सर। फाइनेंस भी मिल जाएगा अगर तुम वैसा ही करोगे जैसा हम चाहते हैं, वरना। सर आप लोग अंडरवर्ल्ड की कौन सी कंपनी से? सर माय नेम इज जेके सक्सेना जी, फ्रॉम इंटरपोल। इंटरपोल सर नमस्ते। हम एक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि तुम टीकू सेठ के साथ मिलकर जापान में शूटिंग का प्रोग्राम रखो। ठीक। और जिसका हीरो हो बॉबी खान। वो बॉबी खान नया लड़का सर? हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बॉबी और बंटी एक ड्रग सिंडिकेट के लिए कैरियर का काम करते हैं। सर हमारी स्टोरी में बॉबी खान कहीं फिट नहीं होता सर। तुम्हें फिट करना ही होगा सीडी। यंग जनरेशन को बर्बाद करने वाली इस बुराई को खत्म करने के लिए तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा। और हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस काम के लिए तुम्हें एक अच्छा इनाम भी देगी। इनाम से ज्यादा जरूरी यह है कि सर उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बॉबी खान सर, मेरे पास एक आइडिया है। बोलो। मैं रीमिक्स एल्बम की शूटिंग प्लान करता हूँ। इस बार तुमने बंटी और बॉबी के बजाय जाहिद की मजबूरी का फायदा उठाकर ड्रग्स मंगवाए, लेकिन जब तुम्हारा साथी जॉन सिंडिकेट के खिलाफ सबूत देने के लिए तैयार हो गया
तो हमने अपना प्लान बदल दिया। हाँ, और उस बदले हुए प्लान का क्लाइमेक्स ये है कि आप बुरी तरह फंस चुके हैं बांगा साहब। हे, टेक देम अवे। यू आर अंडर अरेस्ट। सर जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है सर जी। हाँ, बोलो ना। बांगा साहब जरा पीठ इधर करिए, उधर देखिए प्लीज। नहीं नहीं, सिचुएशन मैं बनाता हूँ, देखिए ना प्लीज। ओहो, लगता है पैकअप हो गया है। सीडी जी सर, हम लोग टोक्यो क्या घूमने गए? तुमने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी? अरे नहीं सर, रियल शूटिंग तो अब शुरू होगी। अच्छा, और कमाल की फिल्म बनेगी। अरे हीरो का डांस तो मैंने देखा ही था। अच्छा। आज फाइट भी देख ली, क्या कमाल लड़का है। और मैंने तो फिल्म का टाइटल भी सोच लिया, लव इन जापान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सीडी बनाओ, बड़ी बड़ी फिल्म बनाओ। ये खासदार खिदमतगार हाजिर है। बोले तो तुम्हारी फिल्म के फाइनेंस के लिए अब उनका दरवाजा हमेशा खुला है। क्या बात है, लव इन जापान।